हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की हमारी जो क्लास है, बेसिकली वो पूरी क्लास डिजाइन की गई है ऑन द यूनियन बजट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट रहा है इस वर्ष 2024-25 का, उस पर हमारी पूरी क्लास जो है वो केंद्रित है। राइट, तो हम कोशिश करेंगे कि जो मेजर एस्पेक्ट्स है यूनियन बजट के उनको डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले हम थोड़े जो संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग दी यूनियन बजट, वो करेंगे डिस्कस। उसके बाद जो है हम कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा है, इनको डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे हम बजट को लेकर के, जो हमारे एग्जाम और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद हम कुछ करेंगे, जो हमारा बजट है इस वर्ष का उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इन आवर टुडेज क्लास। तो फर्स्ट इज कि यूनियन बजट 2024, ये हमारा टाइटल रहेगा क्लास का। तो फर्स्ट वी विल बिगिन विद दी बजट। बजट क्या है? तो अंडर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो मेंशन अबाउट बजट वर्ड। किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में बजट वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है, एज वेल एज दी इंटरिम बजट। जो इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, उसका भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो अब कैसे, फिर सरकार कैसे करती है इसको पेश? अंडर दी आर्टिकल आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के तहत एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करते हैं इन दी पार्लियामेंट हमारा यूनियन बजट। तो अंडर दी आर्टिकल 112 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट लेड द यूनियन बजट एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट ऑन 1st of February फ्रॉम 2017। 2017 से पहले जो है कि इसका डेट था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी, वो 28 से 29 फरवरी होती थी, बट 2017 से हमने क्या कर दिया, इसको रिवाइज कर दिया, दैट 1st of February विल बी दी डेट ऑन विच दी आर फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट दी बजट इन इंडियन पार्लियामेंट। क्लियर? बजट की बार रही बात। अब इसकी बात करते हैं कि बजट के अंदर होता क्या है। सो बेसिकली बजट इज कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज रेवेन्यू बजट एंड अनदर इज कैपिटल बजट। और वी कैन से दैट देर आर टू पार्ट्स ऑफ बजट, रेवेन्यू पार्ट एज वेल एज बजट कैपिटल पार्ट। तो पहले बात करेंगे हम किसकी, बजट की क्लासिफिकेशन की। देखिए ये कुछ टर्म्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी रहती है, और इन पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक रहती है। तो फर्स्ट वी विल बिगिन विद दी रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट यानी राजस्व बजट। राजस्व बजट, अब इसके अंदर क्या होता है, रेवेन्यू रेवेन्यू मीन्स द अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि इस पार्ट में गवर्नमेंट सेज दैट व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द वेज बाय व्हिच वी विल बाय व्हिच वी विल गोइंग टू अर्न सम मनी, हम किस प्रकार से अपना जो है राजस्व कमाने वाले हैं वो दिखाया जाता है रेवेन्यू के अंदर। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर, ये दो तरह का होता है रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स राजस्व प्राप्तियां कहते हैं इनको हिंदी में। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो दो तरीके सोर्स से आती है, फर्स्ट इज टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, एज वेल एज दी नॉन टैक्स रेवेन्यू। राइट, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको, टैक्स रेवेन्यू एंड दी नॉन टैक्स रेवेन्यू। देर आर टू पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू, अनदर वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या होगा, इट विल कंप्राइजेज द अर्निंग फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, विभिन्न प्रकार के जो कर लगाती है गवर्नमेंट वो कौन से हो सकते हैं, एक इनकम टैक्स हो सकता है आयकर, एक हो सकता है कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर, थर्ड हो सकता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें क्या होता है जीएसटी। जीएसटी ये कुछ टैक्सेस है जो गवर्नमेंट लेवाई करती है ऑन द सिटीजंस, एंड उससे क्या होता है गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। सेकेंड पार्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गैर कर राजस्व क्या होते हैं, ये इस तरह के सोर्सेज होते हैं
इसमें अर्निंग क्या होगी, लाइक मान लो गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट लाइक डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड मान लीजिए सरकार ने कोई पीएसयू है वहां पर पीएसयू के अंदर कोई निवेश किया है किसी और प्राइवेट एंटिटी में निवेश किया है, तो वहां से डिविडेंड आएगा, वो किसमें आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर, एज वेल एज इंटरेस्ट पेमेंट सरकार के द्वारा जो किसी को पैसा दिया गया है एज ए लोन, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, मतलब उस जिस संस्थान को जिस जिस सरकार को किसी देश को अगर पैसा दिया गया है वो कहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड के अंदर आएगा, जो भी ब्याज हमें मिला है। साथ ही साथ कुछ फीस होती है यानी शुल्क, आप जानते हैं कि सरकार जो है कुछ ना तो कुछ शुल्क लगाती है, कि कोई किस प्रकार की सेवाएं होती है उन पर फीस लगाती है, उसे उसे वो शुल्क है, वो भी कहाँ आता है, हिंदी नॉन टैक्स रेवेन्यू पार्ट। ये हमने बात किसी की रेवेन्यू रिसीट्स की। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ असेट फॉर द गवर्नमेंट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय वह व्यय होगा जिसमें कि गवर्नमेंट के डे टू डे बिजनेस के लिए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक्सपेंडिचर के लिए, सैलरीज के लिए जो पैसा खर्च होता है वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इट विल कंप्राइजेज क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेट, जो भी सरकार ने ऋण लिया होगा उसका सरकार को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज नॉन असेट क्रिएशन एक्सपेंसेस, सरकार जब पैसा खर्च करती है तो कोई ना कोई उससे असेट्स क्रिएट होना चाहिए, बट यहाँ क्या होता है किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, ये किसमें आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम सेकेंड बात करते हैं किस पार्ट की, कैपिटल पार्ट की, जिसके भी दो पार्ट है, कैपिटल बजट है उसके दो पार्ट है, कैपिटल बजट के भी दो पार्ट है, क्या है पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉरी कैपिटल रिसीट्स, पहले कुछ प्राप्ति होंगी सरकार को और उन्हीं ब्याह पे क्या करेगी वो सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत बजट जो है उसके दो प्रकार है, उसके दो भाग हैं, कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं इसका मतलब कैपिटल मतलब क्या, पैसा। अब पैसा क्या होगा, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स होती है, मीन्स द बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोविंग्स उधारियां जो सरकार जो उधार लेती है वो किससे हो सकता है, इट मे बी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो डोमेस्टिकल डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशन हो लाइक आरबीआई हो, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हो, या किसी बाहरी देश से, या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे भी हम पैसा ले सकते हैं, वो किसमें आएगा, कैपिटल रिसीट्स में से। तो कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं, तो कैपिटल रिसीट्स ये क्या होती है, दीज आर द लोन और बोरोविंग्स, बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो उधार लेती है वो किसमें आता है, कैपिटल रिसीट्स में। अब ये क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक हो सकता है हमारा अब्रॉड यानी इंटरनेशनल, देश के बाहर जो संस्थान है जो सरकारें हैं उनसे पैसा ले सकते हैं हम, या फिर क्या ले सकते हैं, डोमेस्टिक हमारे किसी राज्य से ले सकते हैं, किसी जो हमारा वित्तीय संस्थान है लाइक आरबीआई उनसे पैसा हम ले सकते हैं, ये हमारा रहा सोर्स ऑफ लोन या बोरोविंग। अब इसके अंदर एक पार्ट और आता है कैपिटल रिसीट्स के अंदर, जैसे हमने बात की कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सरकार ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट कहाँ चुका दी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट जो कैपिटल अमाउंट है
कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन लोन, लोन डिसबर्समेंट, सरकार जो लोन देती है उसका जो मूल धन आएगा वो किसमें आएगा? ऑन लोन डिसबर्समेंट। सरकार जो किसी एंटिटी को, किसी संस्थान को अगर पैसा दे रही है तो उसका जो पेमेंट आएगा कैपिटल अमाउंट वो किसमें आएगा? कैपिटल रिसीट्स में। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। अब आपको नाम से पता पड़ रहा होगा पूंजीगत व्यय मीन्स द एक्सपेंडिचर विच क्रिएट सम काइंड ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई संपत्ति का निर्माण होगा, लाइक इफ गवर्नमेंट इज बोरोइंग अ काइंड ऑफ लैंड, अ प्रॉपर्टी, अ हाउस, और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की क्या होगी, संपत्ति क्रिएट होगी, मतलब इट विल क्रिएट असेट्स लाइक लैंड, पोर्ट, हाउसेस, ये हो सकता है हमारा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि सरकार की संपत्ति का निर्माण हो, क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स हमने बात कर ली। सरकार जो लोन लेती है बाहर से, जो भी उधारी आएगी सरकारी किसमें आएगी, कैपिटल रिसीट्स में, यानी पूंजीगत प्राप्तियों में आएगी। और पूंजीगत व्यय में क्या आएगा, जो सरकार ऐसा खर्चा जिससे कि सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण हो, परिसंपत्ति निर्माण हो, किसमें आएगा, हिंदी कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी, हम ये तो मैंने बात की, बजट के दो पार्ट हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, यानी रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट दोनों की बात की। अब हम बात करते हैं कि कुछ तीन फंड हमारे पास इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंड्स हैं, आपने इनके नाम जरूर पढ़े होंगे कभी ना कभी। फर्स्ट वन इज अंडर आर्टिकल 266 विच इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड, भारत का, भारत की संचित निधि, जो भारत की संचित निधि, इसमें क्या होगा, इट मींस जो भी सरकार पैसा ले रही है, लोन हो, लोन या बोरोइंग्स कह सकते हैं, वो इसमें आएगी। किसी प्रकार का टैक्स, टैक्स रेवेन्यू है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इसके अंदर आएगा। ये अकाउंट हमारा एक फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत का संचित निधि, भारत की संचित निधि। इसमें क्या होता है, जब सरकार किसी प्रकार लोन लेती है, सारा पैसा कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इस फंड में, इस कोष में आएगा। तो सरकार को जो कर राजस्व और गैर कर राजस्व प्राप्त होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो भी किसमें आता है, इट इज सबमिटेड टू द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि है, इसके अंदर आता है। और ध्यान रखिएगा, अगर इस फंड से पैसा निकालना है तो इसके लिए क्या चाहिए, लॉ बाय पार्लियामेंट, कि संसद की अनुमति के बिना इस फंड से, इस कोष से पैसा नहीं निकाला जा सकता। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दी सीएफआई विदाउट दी अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा, अप्रूव कौन करेगा, अप्रूवल बाय पार्लियामेंट ओनली, सिर्फ संसद की अनुमति से ही इस फंड से पैसा निकाला जा सकता है। किससे, भारत की संचित निधि से। संचित निधि जो है, इस पे खर्चे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे चार्ज्ड फंड होते हैं, यानी भारित, यानी ऐसे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारा सीएफआई है, इस पे दो, एक तो होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर यानी भारित व्यय एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं, तो दीज आर दी एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी वोटेड अपॉन, कि जब जब संसद के अंदर विनियोग बिल पेश होगा, अप्रोप्रिएशन बिल पेश होगा, व्हेन दी अप्रोप्रिएशन बिल विल बी प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 114, देन देयर विल बी नो वोटिंग ऑन दी सब्जेक्ट मेंशनड इन दी लिस्ट ऑफ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, जो भारत सरकार के संविधान के तहत जो है, भारत की संचित निधि पर जो भारित है व्यय हैं, उन पर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती। अब ये कौन कौन सा हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे, उनकी सैलरी, उनके अलाउंस, यानी उनके भत्ते, वेतन भत्ते, पेंशन होती है। हाई कोर्ट का ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेसिफिकली, हाई कोर्ट की इसके अंदर पेंशन मेंशन है,
हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन होती है, पेंशन ओनली, क्यों? उनके वेतन भत्ते जो हैं वो सारे कौन देता है? संबंधित राज्य सरकार। हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन हो गई, इवन यूपीएससी, यूपीएससी के मेंबर्स हो, चेयरमैन हो, उनकी सैलरी, पेंशन अलाउंसेस, इन पे वोटिंग नहीं हो सकती। राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो चेयरमैन है और डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यानी सभापति, उपसभापति, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनके ऊपर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं की जा सकती। साथ ही साथ जो हमारे कह गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके भी किसी प्रकार की सैलरी, अलाउंस, पेंशन पे वोटिंग नहीं होती। उन्हें कहा जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर। ये किसमें आता है? हमारे भारत की संचय नीति पर भारित होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड, हमारा एक फंड है हमारा अंडर आर्टिकल 266 विच इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। भारत का लोक विधेयक, लोक लेखा। इसमें क्या होता है? जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, और जो हमारे प्रोविडेंट फंड होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स, ये आते हैं किसके अंदर? इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है? जब हम स्मॉल सेविंग्स, जो लघु बचत योजना है, उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है कोई भी नागरिक, उसका पैसा कहाँ सबमिट होता है? इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इस फंड से पैसा निकालने के लिए एक सिर्फ क्या चाहिए हमें? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक कार्यकारी आदेश के द्वारा ही इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था? भारत की संचय निधि से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो मनी शैल बी विड्रॉन, नो मनी कैन बी विड्रॉन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। बिना संसद की अनुमति से पैसा कहां से नहीं निकलता है? अंडर आर्टिकल 266 भारत की संचय निधि से। लेकिन अगर हम बात करें भारत के लोक लेखा की, इसमें जो कार्यकारी आदेश है उससे ही पैसा विड्रॉ हो सकता है। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक फंड और रहता है अंडर आर्टिकल 267, दैट इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत का आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इस फंड में क्या होता है? जो हमारे अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे घटनाएं जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते, लाइक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, महामारी हो सकती है, युद्ध जैसी स्थितियां हो सकती है, उसके लिए क्या हो? उसके लिए हमें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उसके लिए क्या बनाया गया? एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267। ये किसके कस्टोडियन में होता है? अंडर द प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं वो इसके कस्टोडियन होते हैं, और इनकी अप्रूवल पे जो भारत के वित्त सचिव होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। ये आप याद रखिएगा, जो भारत के वित्त सचिव हैं वो इसे मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वित्त सचिव के कंट्रोल में आता है हमारा क्या? भारत का आकस्मिक निधि। ये किसके लिए होता है? इसमें जो अभी कॉर्पस है, ऑथोराइज अनुमति है, वो कितनी है संसद को? 30,000 करोड़ रुपए की। 30,000 करोड़ जो रुपए हैं, इतनी अनुमति इस भारत के आकस्मिक निधि में रखने की हमारे पास पार्लियामेंट की अप्रूव, पार्लियामेंट को अनुमति है। ये याद रखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी प्रोडक्टिव होने वाला है, बिकॉज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री बात कर लेते हैं बजट के बारे में, एक स्लाइड में, कि अब तक कितनी बार सर्वाधिक किस व्यक्ति ने बजट, किस वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है, और कब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो बिल्कुल ब्रीफ में अगले 3 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है कि बात करें टोटल बजट की, तो नंबर ऑफ बजट जो अभी तक पेश हुए हैं उसमें सर्वाधिक जो बात करें, मैक्सिमम बजट्स, मैक्सिमम बजट्स, ध्यान रखिएगा, ये किया गया है सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई के द्वारा, कितनी बार? 10 टाइम्स, मोरारजी देसाई के द्वारा। क्लियर? इन्होंने 6 बार, 6th टाइम जो है कॉन्सिक्यूटिव, 6 बार लगातार इन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था। सेकंड नंबर पर आता है 9th, 9 बार बजट पेश किया है टीवी, चिदम्बरम जी के द्वारा, टीवी चिदम्बरम। 8 बार किया गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे प्रणब मुखर्जी जी, प्रणब मुखर्जी, इन्होंने किया है कितनी बार?
आठ बार पेश किया है बजट, सात बार किया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, सीतारमण जी द्वारा, और इन्होंने ध्यान रखिएगा सेवेंथ टाइम कॉन्सिक्यूटिवली लगातार सात ही बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है किसने, निर्मला सीतारमण जी ने। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इनको पीछे छोड़ा है, ये आप याद रखिएगा। हम बात करते हैं बजट के लैंग्वेज की, तो ध्यान रखिएगा एक वित्त मंत्री थे हमारे सी डी देशमुख, देशमुख ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर इन द ईयर 1955-50। इस बिटवीन क्या होता है ध्यान रखिएगा, बिफोर 1955 द इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड ओनली प्रिंटेड ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 1955 से पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही बजट जो है प्रिंट होता था, बट फ्रॉम ऑनवर्ड्स 1955-56 हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी ये बजट प्रिंट होने लगा है, याद रखिएगा। कब से बजट पेश हो रहा है, तो 1955-56 से क्या हो रहा है, बजट हमारा दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पेश हो रहा है। अब तक जो है कुल 14th time क्या हुआ, एंटरिंग बजट पेश हुआ है, 14th time अंतरिम बजट है वो अब तक कितनी बार पेश हुआ है, 14 बार, यह फैक्ट याद रखेगा। साथ ही साथ एक फैक्ट और इसके अंदर, ये जो पहले बजट पेश होने का समय था वो कितना था, वो था हमारा 5 PM, कब होता था ये 5 PM और लास्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी महीने के अंतिम दिन पेश होता था ये। इसे कब बदला गया ध्यान रखिएगा, जो टाइम है 11 AM कब किया गया, सुबह के 11 बजे पेश करना, ये कब तय किया गया, इन द ईयर 1999। क्लियर, और जो डेट है वो की गई फर्स्ट फेब, ये कब की गई, इन द ईयर 2017। ध्यान रखिएगा इस वर्ष एक बदलाव और किया गया था, दैट रेलवे बजट, रेलवे का बजट जो है, रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड, क्लियर। तो 2017 का बजट पेश हुआ था, उसमें रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था, ये हमने बात की किसकी, इसके टाइम और प्रेजेंटेशन की। अब हम बात करते हैं कुछ 2017 में कमेटी, इससे पहले कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था विवेक देवरॉय कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन से क्या हुआ था 2017 के अंदर जो है रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया इन द यूनियन बजट, या फैक्ट याद रखिएगा। हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट स्पीच की, लॉन्गेस्ट स्पीच, अब बात करें इसमें दो कैटेगरीज है, पहला है टाइम, राइट, तो टाइम की बात करें तो सर्वाधिक लिया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी इनके द्वारा कितना लिया है, इन्होंने 2020 का बजट था इसे पेश किया था लगभग 2 घंटे 40 मिनट में। इनके बाद नाम आता है जसवंत सिंह जी का, जसवंत, ये कुछ फैक्ट्स हैं आप चाहें तो याद कर सकते हैं। फिर आता है अरुण जेटली जी का, अरुण जेटली जी, इन्होंने लगभग 2 घंटे 10 मिनट का बजट स्पीच दिया था अपना, ये कुछ एम्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सबसे लॉन्गेस्ट अगर किसी बात करें लॉन्गेस्ट बजट की इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की बात करें तो ये हमारे रहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी हैं, इनके द्वारा बजट पेश किया गया था 1991 में, ये सबसे अधिक शब्द थे, लगभग 18,700 वर्ड्स थे इसमें, कितने 18,700 वर्ड्स। अब तक का जो शॉर्टेस्ट स्पीच रहा है, शॉर्टेस्ट इन वर्ड्स, ये किया गया है बी एम पटेल जी हैं,
उन्होंने दिया था 1977 के बजट में, इंटरिम बजट था इनका, लगभग 800 वर्ड्स। ये कुछ फैक्ट्स हैं विच विल बी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे बजट से, क्लास की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। इसमें पहला टर्म है फिस्कल डेफिसिट, देखिए इसमें कहीं ना कहीं स्किप हुआ है, फिस्कल डेफिसिट। तो वी विल बिगिन विद द फिस्कल डेफिसिट फर्स्ट। फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। घाटा कब होता है किसी व्यक्ति को? जब उसकी क्या हो, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाए किससे, इनकम से, राइट। गवर्नमेंट के पास भी क्या है, उसका रेवेन्यू सोर्स तो क्या है, टैक्सेस के माध्यम से लगाती है सरकार, टैक्स से पैसा इनकम अर्न करती है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा फ्रॉम दी इनकम, इफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इनकम देन इट विल काउंटेड एज द डेफिसिट। तो क्या होता है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट इंक्लूडिंग बोरोविंग्स। इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, सरकार की इनकम जो है कम रह जाए और खर्चा ज्यादा हो जाए, इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। सेकेंड आता है रेवेन्यू डेफिसिट। आपको पता है हमने दो चीजें पढ़ी थी, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में क्या था, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो राजस्व घाटा क्या होगा, जब राजस्व प्राप्तियां हैं वो रह जाए कम हमारी, तो राजस्व व्यय जो है वो बढ़ जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड दी रेवेन्यू रिसीट्स नॉन एज दी रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व प्राप्तियां कम रहे, राजस्व राजस्व जो व्यय है वो बढ़ जाते हैं, तो मतलब क्या है, राजस्व घाटा है सरकार को। नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ग्रांट इन एड, मतलब अनुदान देती है राज्य सरकारों को टू क्रिएट दियर कैपिटल असेट्स, राइट। मतलब कुछ पूंजीगत संपत्तियां निर्माण कर सके, जिसमें क्या हो सकता है, रोड हाईवेज और क्या हो सकते हैं, पोर्ट्स हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है, कुछ लैंड एक्वायर करना हो, इस तरह के काम क्या कर सकती है, सरकार कर सकती है अंडर दी कैपिटल असेट्स फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू डेफिसिट है, कुल राजस्व घाटा है, यदि उसमें से सरकार के द्वारा जो अनुदान देती, सरकार अनुदान देती है राज्यों को फॉर दी कैपिटल फॉर्मेशन, इसे माइनस कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा ये होता है, यदि राजस्व घाटे से राज्यों को परिसंपत्ति निर्माण के लिए दिया गया अनुदान माइनस कर दें, घटा दें, तो क्या आता है, प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है, आपको पता हो तो हमने क्या देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इसमें क्या था कि रेवेन्यू बजट के दो पार्ट थे, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय में क्या था, एक जो है सरकार ने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, हमें क्या करना होगा, उस पर ब्याज अदायगी करनी होगी। तो ध्यान रखिए, जब राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट से क्या निकालते हैं हम, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो भी हम ब्याज अदायगी है हमारी वो हटा देते, क्या निकलता है हमारा, प्राइमरी डेफिसिट, इसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सरकार खुद तो इन्वेस्ट कर रही कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ, प्लस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों क्या कह रही है, हम आपको दे रहे हैं क्या, ग्रांट्स, यानी अनुदान दे रहे हैं आपको, ग्रांट्स इन एड। अनुदान क्यों दे रहे हैं, फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, संपत्ति निर्माण के लिए हम क्या दे रहे हैं आपको, कुछ अनुदान दे रहे हैं। उसके साथ अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है, जो सरकार का पूंजीगत व्यय है, उसके साथ सरकार अपना राज्य को दिया गया अनुदान भी जोड़ दे, तो क्या कहलाता है हमारा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। फिर हम बात करते हैं बजट एट अ ग्लैंस। इससे पहले हम बात करते हैं कि बजट जो है पेश कैसे होता है, ठीक है। बजट होता है पेश अंडर आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 के तहत क्या होता है, बजट पेश होता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ स्टेप्स हैं इसकी, वी विल डिस्कस दैट। आर्टिकल 12 में क्या होता है, बजट प्रेजेंटेशन, बजट प्रस्तुतिकरण होता है इन द पार्लियामेंट। बजट प्रस्तुत होता है वित्त मंत्री के द्वारा। इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है, जनरल सामान्य इस पे क्या होता है, बहस होती है, इसमें किसी प्रकार की कटौती की मांग नहीं की जाती है जनरल डिस्कशन में। फिर आता है आर्टिकल 113, आर्टिकल 113, इसमें क्या होता है, इट स्टेट्स फॉर द ग्रांट्स इन एड, यानी ग्रांट्स इन एड, यानी
मांग अनुदान, अनुदान के लिए मांग, ग्रांट्स इन एड, है ना, ये होता है हमारा अंडर आर्टिकल 113। इसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा एक इस, माफ कीजिएगा जी, जनरल डिस्कशन है। इसके बाद क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी होती है। ये सब स्टेप स्किप हो गया था, डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी, विभागीय जांच होती है। क्या होता है कि बजट जब पेश किया जाता है उसके बाद सभी मंत्रालय सभी विभागों को कुछ टाइम मिलता है, लगभग 2 से 3 सप्ताह का, 2 to 3 weeks, वो ये पता लगाएं उनके विभाग के लिए कितना एक्सपेंडिचर, कितना वे रिक्वायर्ड है, पहले कितना उन्होंने खर्चा किया था और अब कितना वो खर्चा एक्सपेक्ट करते हैं, कितना उनका एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये होता है डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी अंडर वेरियस मिनिस्ट्री। विभिन्न मंत्रालय के, विभिन्न मंत्रालय के विभाग है ना, वो करते हैं इसकी जांच, करते हैं कि हमें कितना बजट चाहिए। अब आता है आर्टिकल 113, इसमें कहा गया, इसमें बात की ग्रांट सीनेट की, इसमें होती है वोटिंग, ठीक है, ग्रांट सीनेट मांग अनुदान पर होती है वोटिंग। ध्यान रखिएगा वोटिंग दो पक्षों पर नहीं होगी, तो दो फैक्टर है। पहला है कि जो ग्रांट सीनेट पर वोटिंग होती है ये सिर्फ लोकसभा का विशेष अधिकार है, राज्यसभा में किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती है। राज्यसभा के अंदर सिर्फ बजट का डिस्कशन होता है, उसे किसी प्रकार का संशोधन या वोटिंग करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। ये किसके पास है, वोटिंग होती केवल लोकसभा के अंदर, लोकसभा में। एक आपको पता हो, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था चार्ज एक्सपेंडिचर, यानी भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित जो व्यय है इन पे किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती। ध्यान रखिएगा क्यों नहीं होती, क्योंकि इनका प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं और हमारे ऑनरेबल कह गए हैं, यूपीएससी के मेंबर्स हैं, और राज्यसभा लोकसभा के जो सभापति उपसभापति हैं, स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, उनके ऊपर भी, उनके जो फंड पेंशन, उनके जो पेंशन अलाउंसेस और पेंशन सैलरी अलाउंसेस, उन पर किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती है। ये इसके अंदर प्रावधान है और इसमें किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होगी अंडर द आर्टिकल 113। अब फिर उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 114 जिसे कहते हैं विनियोग विधेयक, यानी अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रो क्रिएशन बिल, ठीक है। इसमें जो ग्रांट्स इन एड है ना, ये मांग अनुदान, मांग पर अनुदान, इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की क्या होता है, जब डिस्कशन होते हैं तो उसमें बात रखी जाती है, ये पूरी पॉलिसी खराब है, उसके लिए लाते हैं पॉलिसी कट मोशन की, पॉलिसी की वैल्यू आपकी जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ ₹1, ₹1, ठीक ही होता है। पॉलिसी कट मोशन होता है, टोकन कट मोशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पूरी पॉलिसी है जिसके लिए पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें ₹100 का क्या करो, कटौती कर दो, आप ₹100 कटौती कर दो, टोकन काइंड ऑफ टोकन मनी ये काट दी जाए, इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। ये किसमें होते हैं, अंडर आर्टिकल 113 ग्रांट्स इन एड के अंदर। अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन की, अप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक की, बिना विनियोग विधेयक बिल के, विदाउट अप्रोप्रिएशन, विदाउट पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, विधेयक पर वोटिंग करवाई जाती है अप्रोप्रिएशन बिल के तहत। और फिर जब साथ ही साथ एक होता है हमारा फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक भी, फाइनेंस बिल भी पेश होता है, बाद में बजट पारित माना जाता है विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि जो हमारा पहला पार्ट है बजट एट ए ग्लांस, यानी बजट का सार क्या है। देखिए जो टोटल रिसीट्स हैं, कुल प्राप्तियां हैं, उनमें ध्यान रखिएगा जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, राजस्व प्राप्तियां हमेशा अधिक रहेगी फ्रॉम द कैपिटल रिसीट्स। आपको पता है रेवेन्यू किससे आता है, टैक्स से और नॉन टैक्स से, कर से और गैर कर प्राप्तियां वहां से मिलता है रेवेन्यू, इसकी हमेशा ध्यान रखिए ये सरकार का अधिक होता है रेवेन्यू रिसीट्स। राजस्व प्राप्तियां अधिक होती है पूंजीगत प्राप्तियों से, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होगी, सरकार जो लोन ले रही है वो, सरकार लोन कम लेना चाहिए, ऑब्वियसली बात है सरकार को रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अब जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं इसमें भी क्या है, जो टैक्स है, टैक्सेबल रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स इज ग्रेटर देन द नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपको पता है हम जानते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, कई सारे टैक्स सरकार लगाती है, तो उससे क्या सरकार को कई सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, कई बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो ज्यादा है सरकार का फ्रॉम द नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी गैर कर राजस्व से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सेकेंड हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, बात की थी पहले हमने, बात की रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियों की, अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। ये पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, सरकार की उधारी यानी बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज,
ये ज्यादा है, इसमें कई सारे मद होते हैं अलग अलग तरीकों से सरकार पैसा उधार लेती है। तो पहला है बोरोइंग, उधार लेना, दूसरा है अदर रिसीट्स, अन्य प्राप्तियां, तीसरे पे आती है रिकवरी ऑफ लोन्स। ये हमने बात की थी कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स में जब सरकार ने पहले किसी कंट्री को लोन दिया हो, किसी संस्थान को लोन दिया हो, किसी सरकार को लोन दिया हो, राज्य सरकार को या यूटी गवर्नमेंट को, उससे जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स अंडर दी कैपिटल रिसीट्स। तो ये इसका एक फ्लो है कि किसका किसकी किस सोर्स से अर्निंग ज्यादा है गवर्नमेंट की, किस सोर्स से अर्निंग कम है। क्लियर। नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर, हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है, जब सरकार का व्यय सरकार की आमदनी से बढ़ जाए, मींस द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट नॉन एज फिस्कल डेफिसिट। यहाँ बात की गई है एक्सपेंडिचर की। हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा जो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ओनली 23% है इस बार बजट का, जो रिमेनिंग 77% है 77% वो क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप याद रखिएगा। तो मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स सम असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। वो तो हम कम कर रहे हैं जिसमें क्या होता है कि सरकार रेलवे ट्रैक बनाए, हाईवेज बनाए, पोर्ट डेवलप करे, मशीनरी या इक्विपमेंट अक्वायर करे जिससे अलग से आगे से प्रोडक्शन हो, ऐसा हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। बट जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है राजस्व है, जिसमें क्या होता है हमारा, जिसमें होता है हमारा सरकार के द्वारा जिन्हें सैलरी होती है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, और सरकार ने कोई लोन ले रखा है तो उसमें उसके इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। क्लियर। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो कहलाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सदैव ज्यादा है सरकार का, तो ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमने बात कर ली। तो टोटल एक्सपेंडिचर बजट के अंदर इस साल वो कितना रखा गया है, कुल इतना सरकार पैसा व्यय करेगी 48,20,512 करोड़ रुपए, ये सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है इस वर्ष का, जिसमें से 11,11,111 करोड़ ये हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच इज रफली अराउंड 23% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर। एंड वी हैव सीन दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 16.9% फ्रॉम द प्रीवियस बजट। जो पिछला वर्ष था उसमें सरकार ने करीब 10 लाख करोड़ के आसपास जो है वो रखा था पूंजीगत व्यय में, लेकिन उसे बढ़ाकर किया कितना, 11,11,111 करोड़ रुपए। मतलब कितना इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 17% इंक्रीज किया है इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये अच्छी बात है, ध्यान रखिए जब हमारे पास राजस्व यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये अधिक होगा सरकार के लिए नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि सरकार के पास असेट क्रिएशन कम होगा। मान लीजिए अगर ये रिवर्सिबल, ये रिवर्स होता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर होता और ये होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ध्यान रखिए सरकार के पास संपत्ति अधिक होती, सरकार अर्निंग उससे अधिक करती विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन दी बोरोइंग्स एंड लोन्स फ्रॉम दी अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज दी अदर गवर्नमेंट्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इज कि जीडीपी की बात करें, इस साल जो हमारी जीडीपी कितनी रहेगी, सरकार का ऐसा अनुमान है दैट इट विल बी अराउंड, ये है भाई 3,26,36,912 करोड़, अराउंड 3.26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी इंडिया की रहने वाली है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024-25, याद रखिएगा आप। अब हम बात करते हैं कुछ ग्रोथ प्रोजेक्शन की। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से ग्रो करेगी। तो पहला है वर्ल्ड बैंक ने कहा था दैट इंडिया विल ग्रो बाय दी सिक्स इंडियाज जीडीपी विल बी ग्रो बाय 6.6%। IMF ने कहा 7%, RBI ने बोला 7.2%, बट इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है दैट इंडिया विल ग्रो बिटवीन 6.5 to 7%। भारत की जो जीडीपी है वो कितनी ग्रो करेगी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी बाई बिटवीन 6.5 to 7%। वर्ल्ड बैंक ने कहा था 6.6%, IMF ने कहा 7% और RBI ने बोला 7.2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन। अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, एसएससी के भी हो, इवन आरआरबी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, तो ये फिगर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फिगर्स की, कुछ आंकड़े हमारे सामने दिए गए हैं टेबल में, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो सकता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपको इतना ही फिगर याद रखना है दैट गवर्नमेंट हैज सेड दैट इंडियाज फिस्कल डेफिसिट विल बी 4.9% दिस ईयर।
आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है पिछले कुछ वर्षों में फिस्कल डेफिसिट में कटौती आई है, धीरे धीरे कम हुआ है। हमारे लिए फिगर क्या काम का है, फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है हमारा 4.9%, रेवेन्यू डेफिसिट विल बी अराउंड 1.8%। क्लियर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा ये रहने वाला है 0.6%, और प्राइमरी डेफिसिट रहने वाला है हमारा 1.4%। ये हमारे जो टेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सरकार ने कितना टारगेट लिया है कि इतना अचीव कर लेंगे, और सरकार का एम्बिशन भी है दैट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वी विल रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5%। यानी अगले वित्त वर्ष में जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के 4.5% से भी हम कम ले आएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने बात की थी कि फिस्कल डेफिसिट जो कितना कम हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में था 9.2%, 9.2%, फाइनेंशियल ईयर 2022 में था 6.7%, थोड़ा विजिबल कम होगा आपको ये। पिछले वर्ष 2023 में था, 22-23 में था कितना, 6.4%, और 2023-24 में था 5.6%। इसे हम चाह रहे हैं कितना लेकर आए, रिड्यूस 4.9% इन दिस ईयर, और अगले वर्ष 2025-26 में कितना लेकर आए, लेस देन 4.5%, 4.5% से भी हम क्या लेकर जाएं, अपना राजस्व जो राजकोषीय घाटा उसे कम लेकर जाने का सरकार का एक एजेंडा है। थोड़ी हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो देश में रही है क्या रही है, ध्यान रखेगा अभी कर्व सारा है कि 2021 में रही है हमारी 5.5%, 22-23 में रही है 6.7%, और 23-24 में रही है 5.4%। ध्यान रखेगा ट्राइंगुलर शेप में, या थोड़ा फैक्ट याद रखेगा, ट्रेंड पूछा जा सकता है आपसे। इन्फ्लेशन होती दो तरह की होती, एक होती हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती कोर इन्फ्लेशन, याद रखिएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी कोर इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, फूड प्लस फ्यूल, ये दोनों आर्टिकल आते हैं, बट इसके अंदर कोर इन्फ्लेशन के अंदर आर्टिकल नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है हमारी हमेशा ज्यादा होती है ग्रेटर देन कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट इट इज अराउंड 23%, तो कितना है देखिए हमने बात की थी, यस कितना होने वाला है, ये रहने वाला है 11,11,111 करोड़ रुपए होगा इस साल हमारा पूंजीगत व्यय, जो होगा हमारा 23% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। जो सरकार ने 48,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा है, बजट रखा है, उसमें से कितना है 23% है, और वहीं जीडीपी की बात करें तो इट इज रफली अराउंड 3.14% ऑफ जीडीपी। जो हमारी जीडीपी है उसका तो है 3.14% कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो कुल टोटल एक्सपेंडिचर है उसका है हमारा 23%। और हम बात करें कंपेयर करें फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो लगभग 3 गुना अधिक हम व्यय कर रहे हैं इन दी कैपिटल असेट्स क्रिएशन। जो हमारी पूंजीगत संरचना है उसको बढ़ाने के लिए हम कितना कर रहे हैं, 3 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए फिगर, ये चार्ट दिया हुआ है सरकार के द्वारा कि 2021-22 में है टोटल हमने 8.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, फिर इतना 23-24 में इतना किया, और 24-25 में 11.1 लाख करोड़ रुपए कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अभी जो 3 अलग अलग फिगर दिए गए हैं आपको, 2 अलग फिगर दिए गए हैं जिसमें कहा गया है ग्रांट्स इन एड, ध्यान रखिएगा हमने पढ़ा था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है प्रभावी पूंजीगत व्यय। इसमें क्या होता है, जब सरकार पूंजीगत व्यय के साथ साथ किसको जोड़ दे, सरकार राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान को जोड़ दे, जो किसके लिए दिया गया है, फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिएगा ये तो कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, साथ ही ये दे रही अनुदान दे रही है, तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है 15 लाख करोड़ रुपीज हम कर रहे हैं राउंड फिगर में, इंक्लूडिंग दी ग्रांट्स गिवन टू दी स्टेट, याद रखिएगा। तो पहले था 5.9 लाख करोड़ रुपए, 7.4 लाख करोड़ रुपए, फिर था हमने बात की थी लास्ट ईयर था 9.5 लाख करोड़ रुपीज, में कितनी ग्रोथ मानी गई है, इट हैज बीन इंक्रीज बाय दी 16.9%। आई होप यहाँ 2 स्लाइड पहले हमने पढ़ के निकले इसको, यस 16.9%, 16.9% जो है
हमने इंक्रीज किया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर दी कैपिटल क्रिएशन, जो हमारी संपत्ति निर्माण है उसके लिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है, 16.9% की हमने ग्रोथ देखी है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो ये जो दिया गया है, किस टाइप दिया गया है, ये दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, साथ ही ये जो ऑरेंज फॉन्ट में है, ऑरेंज बॉक्सेस बने हैं, ये है हमारे ग्रांट्स गिवन टू दी स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अच्छा, हम बात करते हैं सरकार की आय की। बजट में क्या होता है, सरकार की इनकम कहाँ से होने वाली है और एक्सपेंडिचर कहाँ होने वाला है। तो पहला टॉपिक आता है रुपी कम्स फ्रॉम, सरकार को पैसा मिलता कहाँ से। हमने देखा था रिसीट्स के बारे में, रेवेन्यू राजस्व कहाँ से आता है, टैक्सेस से और नॉन टैक्स से। तो हम बात करें टैक्स वाली बात, शुरुआत कहाँ से करेंगे, जिस पोर्शन से, जिस सेगमेंट से सरकार को अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, अधिक राजस्व होता है, वो क्या हमारा बोरोविंग्स। यदि आपको थोड़ा बहुत ही पता हो, सरकार क्या करती है, जो रिसीट्स हैं उधार, कैपिटल रिसीट्स, मतलब सरकार उधार लेती है, सरकार का जो अधिक खर्चा वो कहाँ जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कहाँ जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वजह भी क्या है, सरकार जो है बोरोइंग्स बहुत ज्यादा कर रही है, सरकार उधार बहुत ले रही है, इसको चुकाने के लिए सरकार उधार भी खूब ले रही है। और आगे हम पढ़ेंगे पैसा कहाँ जाएगा, तो ज्यादा कहाँ जाएगा, सबसे ज्यादा भी जाएगा ना, वो जाएगा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा, ऑलमोस्ट 19%। क्लियर, चलिए बात करते हैं सरकार को पैसा कहाँ मिलता है। मान लीजिए सरकार को पैसा आ रहा है 100 रुपीज, 100 रुपए आए हैं सरकार के पास, तो ये पता लगाना है हमें किस किस सोर्स से, किस किस स्रोत से अधिक पैसा आ रहा है। तो पहला आ रहा है बोरोविंग से, सेकंड आ रहा है इनकम टैक्स से, आयकर है उससे पैसा आ रहा है 19%, फिर आ रहा है हमारा जीएसटी कलेक्शन से, कितना आ रहा है 18%, फिर आ रहा है हमारा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर से, कितना आ रहा है 17%। आपको चार बड़ी बातें याद रखनी है, पहला है सरकार की उधारियां बहुत ज्यादा है जहां से सरकार पैसा ले रही है, सेकंड है सरकार के पास इनकम टैक्स से पैसा आ रहा है, थर्ड आ रहा है जीएसटी से, जीएसटी और अदर टैक्सेस अन्य करों से, फोर्थ पे कॉर्पोरेशन टैक्स। सबसे न्यूनतम कहीं से आ रहा है, तो वो आ रहा है देखिए नॉन लेट कैपिटल रिसीट्स, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, सरकार फीस लगाती है, वो हो सकती है हमारी, ये सबसे कम पार्ट किसका है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, मतलब ऐसे ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार पर ऋण नहीं बढ़ रहा हो, उससे आ रहा है 1%, कस्टम से आ रहा है 4%, 4%, और यूनियन एक्साइज एक्साइज ड्यूटी है उससे आ रहा है 5%। ये आप याद रखिएगा, ये चार्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के अंदर। आपसे पूछ सकते हैं कि सरकार का जो अर्निंग सोर्स है, सबसे मेजर अर्निंग सोर्स कौन सा पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम दी बोरोइंग, सेकेंड इनकम टैक्स, थर्ड है हमारा जीएसटी अदर टैक्सेस, फोर्थ हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। सबसे कम कौन सा है, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है, फिर हमारा कस्टम से 4%, और उससे ऊपर 5% क्या है हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, हमने बात की थी रिसीट्स की, प्राप्तियां कैसे हो सकती है, टैक्स रिसीट्स होती है, कर प्राप्तियां इनकम टैक्स से हो सकती है। तो हम पढ़कर निकले यहाँ से, जो इनकम जो सरकार को रिसीट्स मिल रही है उसमें सबसे अधिक किसका शेयर है, टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स का है, कितना था 19% पढ़ा था हमने, 19%, जीएसटी कितना है 18%, ये कितना है निगम कर 17%, यूनियन एक्साइज कितना है 5%, कस्टम्स कितना है 4%। तो आपके इजी नोट्स के लिए ये लाइन दी गई है जिसमें बताया गया है, जो टॉक टैक्स तरह से सरकार कर लगाती है, टैक्स लगाती है, तो कितनी प्राप्तियां हो रही है वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे, इनकम टैक्स 19%, जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, यूनियन एक्साइज से 5% और कस्टम से 4%। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स की, कि मतलब गैर कर प्राप्तियां कैसे होती हैं। हमने पढ़ा था सरकार को इनकम कैसे होती है, नॉन टैक्स से। सरकार ने मान लीजिए अगर पैसा कहीं लगाया है, किसी शेयर में लगाया है, उससे क्या होगा, उससे पैसा सरकार को डिविडेंड मिलेगा। सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से पैसा मिलेगा, जो निवेश किया वहां से पैसा मिलेगा, मीन्स डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, सरकार को जो लाभ हो रहे हैं लाभांश, वहां से पहले इनकम आ रही है। सेकंड आ रहा है अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या पढ़े थे हमने, पढ़ा था फीस, शुल्क लगाती है सरकार, वहां से भी आ सकता है। क्लियर, सेकंड है इंटरेस्ट रिसीट्स, यानी जो सरकार ने लोन दिया है किसी किसी का एंटिटी को, मीन्स लोन रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट रिसीव्ड,
सरकार ने जो किसी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को दिया है लोन, किसी संस्था को लोन दिया, किसी बाहरी देश को लोन दिया, वो कहाँ आएगा हमारा? इंटरेस्ट रिसीट्स में, ब्याज प्राप्तियों में। फिर आएगा रिसीट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, हमने पढ़ा। एक्सटर्नल ग्रांट, यानी बाहर से सरकार ने कोई ग्रांट लिया, अनुदान लिया हो, किसी IMF, वर्ल्ड बैंक से, किसी और संस्था, मल्टीलेटरल जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहां से हमने कुछ ग्रांट ली हो, ये कहाँ से सकती है? या किसी देश से भी हमने ली हो, लाइक जापान, US, तो वहां से भी जो पैसा कहाँ आएगा? एक्सटर्नल ग्रांट्स में। ये आप याद रखिएगा, सोर्स क्या है? टैक्स रिसीट, जो हमारी कर से प्राप्त होने वाली जो प्राप्तियां, उनमें सर्वाधिक इनकम टैक्स है, फिर GST है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम्स है। और हम बात करें नॉन टैक्स रिसीट्स की, गैर कर प्राप्तियां हैं, उनमें सबसे अधिक पार्ट किसका है? डिविडेंड और प्रॉफिट का है, सेकंड है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, थर्ड है इंटरेस्ट रिसीट्स का। ये आप याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि पैसा खर्च कहाँ करती है सरकार। जो सरकार को 100 रुपए मिले थे, तो सरकार ने सर्वाधिक पैसा कहाँ खर्च किया? तो जो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है सर्वाधिक, वो जाता है हमारा स्टेट्स का शेयर, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। जो सरकार लगाती है, अलग अलग टैक्सेस लगाती है, उनमें जो सरकार, राज्य सरकारों का हिस्सा है, सरकार उनको अपना हिस्सा देती है। पहला हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? स्टेट्स का शेयर, राज्यों का हिस्सा है, राज्यांश कह सकते हैं टैक्सेस में। सेकंड है इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारा 19%, कितना है? 19%, ये है 21%, ये हमारा 19%। थर्ड नंबर पे कुछ आता है, तो वो आता है हमारा सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है हमारी, क्या है? जो केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है, जिसमें क्या होता है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा खुद लगाती है अपनी तरफ से, वो आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें क्या है कि सब्सिडीज जो है वो नहीं होती है। ठीक है, 16%, यानी 21% तो जाता है हमारा स्टेट्स का शेयर, राज्यों का हिस्सा, 19% हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने लोन लिया है बाहर से। हमने क्या पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से आता है? हमारा बोरोइंग से आता है, मतलब हमारी उधारी बहुत ज्यादा है, उसे चुकाने के लिए कितना कर रहे हैं? सेकेंड नंबर पर हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर। थर्ड नंबर पे आता है सरकार जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाती है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें 100% क्या होता है, फंड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 100% फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। फोर्थ पे हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जो वित्त आयोग है हमारा, उनके अनुशंसाएं होती है कि आपको इतना पैसा राज्यों को ट्रांसफर करना है, तो वो फोर्थ नंबर पे आता है। पांच नंबर पे और साथ में आता है अन्य अदर एक्सपेंडिचर आते हैं। सबसे कम की हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे कम होता है हमारा पेंशन का हिस्सा, ध्यान रखिएगा। तो पेंशन है वो ऑलमोस्ट 4% है, कितनी है? 4% का हिस्सा जाता है पेंशन के अंदर। इसके बाद आता है प्लेस सब्सिडीज का, ध्यान रखिएगा। सबसे कम दे रहे हैं हम किसके अंदर? पेंशन में 4%, 6% दे रहे हैं सब्सिडीज में, और इससे अधिक हम दे रहे हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। आपको तीन फैक्ट याद करने, सबसे कम पेंशन में दे रहे हैं 4%, सेकेंड नंबर दे रहे हैं हम सब्सिडीज में 6%, 8% दे रहे हैं इन दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्कीम्स विच आर फंडेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज दी स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फंड करती है इसको, प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, और आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इवन ड्यूटीज जरूरी है, आपको दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे अधिक किसमें इन्वेस्ट हो रहा है हमारा, सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है हमारा स्टेट्स का शेयर, सेकंड नंबर पे हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, थर्ड पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तीन, और अगर हम बॉटम की, फोर्थ पे फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आती है उनके अनुसार राज्यों का हिस्सा। बॉटम की बात करें, सबसे कम हमारा पेंशन में जा रहा है, फिर जा रहा है सब्सिडीज में 6%, फिर जा रहा है हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो केंद्रीय प्रवर्तक योजनाएं हैं उनकी, उनमें जा रहा है कितना? 8%। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इनकेस अगर हमारा लेक्चर आज कंप्लीट नहीं हो पाता, सो इसको हम आगे, कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें कि सबसे अधिक एक्सपेंडिचर किसमें दिया, किस सेक्टर में दिया। तो ध्यान रखिएगा, पहला है डिफेंस, फर्स्ट नंबर पर डिफेंस 4,54,000 करोड़ रुपए दिया गया है। सेकंड नंबर पे ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, थर्ड पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। देखिए, अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा सर्वाधिक व्यय किसमें हुआ है, तो फिगर्स आप याद करो, तो 4.54 और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में 2.65, 1.51 है एग्रीकल्चर और कृषि और अन्य कक्षाए गतिविधियों में। सबसे हम कम की बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बॉटम की बात करें तो वाणिज्य व्यापार के लिए 47,000 करोड़ रुपए की इस्तेमाल 47,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सोशल वेलफेयर के लिए सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एनर्जी है। क्लियर, ये तीन सेक्टर हमारे बड़े हुए, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर।
इनमें तो क्या किया है, सर्वाधिक फंड अलोकेट किया गया, सबसे कम किया है कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेकंड सोशल वेलफेयर, थर्ड हमारा एनर्जी सिक्योरिटी। क्लियर। अब कुछ स्कीम की बात करते हैं जहां पे सर्वाधिक अलॉटमेंट हुआ है, सबसे कम अलॉटमेंट हुआ है। क्लियर। तो पहला मनरेगा है जिसमें किया गया है सबसे अधिक 86,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ गया है, मनरेगा में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, कहता है। सेकंड किया है ना सोलर पावर में, ये बहुत अच्छी बात है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं सोलर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, और ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज को डील करने का सरकार का एजेंडा है उसको भी अचीव करने में हेल्प करेगा। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड नंबर पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड 6,900 करोड़ रुपीज। ये आपको तीन पता होने चाहिए, तीन योजनाएं कौन सी हैं जहां सबसे अधिक इन्वेस्ट किया। पहला है हमारा मनरेगा, सेकंड हमारा सोलर पावर में, थर्ड हमने किया है सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे कम की बात करें, ध्यान रखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे R&D प्रोजेक्ट उसमें किया है, उसके बाद हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसमिशन लाइक काइंड ऑफ LPG, तो उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कम किया, अलोकेशन कम किया स्कीम्स में अकॉर्डिंग टू दी बजट। एक लास्ट हम बात कर लेते हैं कि बजट अनाउंसमेंट हुए हैं, आज की क्लास जो ही समाप्त करेंगे हम इस टैग के साथ। बजट जो हमारा चार कास्ट पे, चार एरिया पे फोकस करता है, विच इज ज्ञान। पहला है हमारा ग्रामीण, सॉरी गरीब, फिर हमारा युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, चार पिलर्स पे फोकस करता है क्या हमारा बजट इस साल का। और जो कुल अलोकेशन हुआ फंड का, हम देख लेते हैं कि मेजरली किसे गया है, तो लगभग 2,66,000 करोड़ रुपए, 2.66 लाख करोड़ रुपीज गया है रूरल डेवलपमेंट को, 1.52 लाख करोड़ रुपीज गया है एग्रीकल्चर को, थर्ड गया है 1.48 फॉर दी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। ध्यान रखिएगा आपको इतना ही पता होना चाहिए किस सेक्टर में गया था, हमने देखा था डिफेंस में गया था सबसे पहले। अगर हम बात करें किस एरिया की बात करें, तो रूरल डेवलपमेंट में कितना अलॉट किया है, 2.66 लाख करोड़ रुपीज, उसके बाद एग्रीकल्चर में किया है 1.52 लाख करोड़ रुपीज, बाद में किया है एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग में कितना 1.48 लाख करोड़ रुपीज। चलिए इसके बाद जो स्लाइड्स हम आगे आगे की स्लाइड्स जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आई होप आपको जो पढ़ाया गया अब तक उससे आपका बजट का जो काफी डाउट है वो दूर होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल जाएगी बजट लेक्चर से, किस प्रकार बजट जो है पेश होता है और क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान के अंदर है बजट को पास करने के। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड एंड डू योर हार्ड वर्क एट योर। थैंक यू सो मच फॉर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूँ प्रियेश परिक और हमारी क्लास जो है आज की वो डिजाइन की गई है फॉर दी SSC एग्जामिनेशंस, बट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था एक टॉपिक विच वॉज यूनियन बजट 2024-25, 2024-25 का जो बजट है, केंद्र सरकार का बजट है, उसको डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा लेक्चर आज का, बिफोर वी बिगिन स्टार्ट आर लेक्चर वी हैव टू डिस्कस सब थ्री टर्म्स, ओके, वी फॉरगॉट टू मेंशन इन द लास्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले टर्म है GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उनके द्वारा क्या किया गया है, ग्रोथ प्रोजेक्शन अबाउट दी GDP, हमारी GDP जो है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कितनी रेट से ग्रो करेगी। तो कुल वर्ल्ड बैंक ने बताया था 6.6% से ग्रो करेगी, IMF ने कहा 7.7% से, RBI ने कहा दैट इंडिया GDP विल ग्रो बाय 7.2%, और इस बजट के अंदर मेंशन किया गया दैट इंडिया GDP विल बी ग्रो बाय 6.5 to 7%, किस रेंज में ग्रो करेगी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं GDP होता क्या है। तो इन बेसिक टर्म्स GDP इज दी एग्रीगेट और फाइनल वैल्यू ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर इन दी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, मीन्स दी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक वित्त वर्ष में, जो कब शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्त वर्ष, उस वित्त वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर इन दी ज्योग्राफिकल टेरिटरी
भौगोलिक सीमाओं में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनका फाइनल वैल्यू जो है उसे कहते हैं हम क्या, जीडीपी। अब जीडीपी जो है, मान जैसे भारत की बात करें, भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर भारतीय नागरिक तो कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ जो फॉरेन नेशनल्स है, विदेशी नागरिक है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी एंटिटीज के माध्यम से जो है इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो इंडियन और फॉरेन नेशनल्स हैं, इंडियन प्लस फॉरेन नेशनल्स विदेशी नागरिक हैं, इनके द्वारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो भी कैलकुलेट होता है इन जीडीपी। सेकेंड टर्म आती है जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नॉन एज जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए इसमें टर्म है नेशनल, इट मींस द इकोनॉमिक रोल प्लेड बाय द ओनली इंडियन नेशनल्स, ओनली इंडियन नेशनल नेशनल्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज द फॉरेन, मतलब कि अब्रॉड प्लस कंट्री, भारत के जो नागरिक है भारत में रहते हुए और किसी विदेश में रहते हुए, किसी और देश में रहते हुए जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा जीएनपी के अंदर जो है जो फॉरेन नेशनल्स इनकम है, फॉरेन नेशनल्स इनकम, जो विदेशी नागरिक भारत में, भारत की भौगोलिक सीमाओं में रहते हुए जो फॉरेन नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सक्लूड करते हैं, मीन्स इसमें क्या होगा जो भारतीय नागरिक बाहर किसी और देश में रह रहे हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी के अंदर उसे भी इंक्लूड करेंगे, प्लस कुछ विदेशी नागरिक भारत में रह रहे हैं उसको इसमें क्या करेंगे एक्सक्लूड। इसका नाम क्या है, ग्रॉस नेशनल मींस, जो इसे आप याद रखिएगा, नेशनल मींस ओनली इंडियन नेशनल्स कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज काउंटेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक लास्ट टर्म हो रहा है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज एनडीपी, हम जानते हैं कि क्या होता है जीडीपी के अंदर, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे पास जो कैपिटल गुड्स है, मतलब ऐसी मशीनरी जिससे हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ मान लीजिए आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमारे पास पावर लूम्स होती हैं वो मान लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अब क्या होता है उन मशीन्स के द्वारा जो हम नया प्रोडक्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्या होगा उसका, उसमें क्या होगा कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने के लिए, मशीनरी को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ता है किसी कंपनी को, किसी फर्म को, इवन गवर्नमेंट को, उसको माइनस करते हैं जीडीपी से, तो हमें क्या मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास घटा दिया जाए, मूल्यह्रास क्या होता है, ऐसी कैपिटल मशीनरी जिससे कि हम और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके जो डे टू डे मेंटेनेंस होता है उस पर जो पैसा लगता है उसकी उसे उसकी जो कॉस्ट है उसको माइनस करते हैं जीडीपी से, तो हमें क्या मिलती है नई टर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड दैट कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक तो बजट कैसे प्रेजेंट होता है, बजट के कुछ फैक्ट्स वगैरह थे डिस्कस किए थे हमने, ये डिस्कस किया था कि बजट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपना खर्चा बताती है कि हमें किस सोर्स से कितनी इनकम होने वाली है, कितना एक्सपेंडिचर किस तरह से करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्कीम्स पढ़ी थी हमने कि मनरेगा में सर्वाधिक जो पैसा सरकार ने दिया ऑलमोस्ट 86,000 रुपीज, फिर उसके बाद सेमी कनेक्टर इंडस्ट्रीज हैं उनको पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मिनिस्ट्रीज वाइज बात करें सेक्टर की, तो सबसे सबसे अधिक किया हमने डिफेंस के अंदर, कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद हम पहुंचे थे बजट अनाउंसमेंट के ऊपर कि इस साल बजट के अंदर अनाउंसमेंट किस प्रकार की गई है। तो टुडे वी विल बिगिन आवर लेक्चर विद दी दिस स्लाइड। पहले इसमें क्या है, इसका फोकस है चार टर्म पे, चार कीवर्ड्स हैं, ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, यानी गरीब, अन्नदाता यानी किसान, नारी यानी महिलाएं, और युवा आप जानते हैं युवा, तो चार जो प्राइम फोकस एरियाज है इन पे फोकस रहेगा। अब सरकार ने क्या किया, कुछ अलोकेट किया फंड को। अब हम देखते हैं कि कुल तीन सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। तो जो रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास है, इस पर 2.66 लाख करोड़ रुपीज, 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर, 1.52 लाख करोड़ रुपए किस पर किए जाएंगे, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, मतलब
कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर 1.48 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इन दी एम्प्लॉयमेंट स्किल एज वेल एज एजुकेशन। ये अब तक यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तीन बड़े सेक्टर्स हैं। पहला क्या था? पहला था हमारा ग्रामीण विकास, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड हमारा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। ये हम पढ़ चुके हैं जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी। अच्छा अब इस बजट में क्या है, कुल 9 प्रायोरिटी सेट की गई है कि 9 एरियाज पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 1 साल में कुल इन्वेस्टमेंट करेगी। जो 9 की एरियाज हैं, 9 प्रायोरिटीज है हमारी एज पर दी गवर्नमेंट, वो क्या है? वो 9 एरियाज ऐसे हैं जो हेल्प करेंगे, दैट विल हेल्प इन दी परसुइंग विकसित भारत संकल्प। जो भारत के प्रधानमंत्री जी का एक विकसित भारत संकल्प है 2047 तक भारत को एज ए डेवलप कंट्री स्टेब्लिश करना, उसके कुछ 9 प्रायोरिटीज हैं जिन पर सरकार इस बार इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, रोजगार देना, कौशल प्रदान करना। थर्ड इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और मानव संसाधन का एक समग्र विकास करना। फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, विनिर्माण और सेवाएं हैं। फिफ्थ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। छठा एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना है। एट्थ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी नवाचार, शोध एवं विकास। नाइन्थ है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, आगे हम जो है नए रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं उसकी बात की। सबसे एंड के अंदर पढ़ेंगे हम टैक्स में जो नई नए जो टैक्स के नए स्लैब्स आए हैं जो उन्होंने सुधार किया सरकार ने, उसको पढ़ेंगे। राइट, तो पहला प्रायोरिटी हमारी है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। हमने पढ़ा था सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट कहाँ है, रूरल डेवलपमेंट में, कितना है? 2.66 लाख करोड़। उसके बाद सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर है विद रुपीज 1.52 लाख करोड़। ये आप बजट का एलोकेशन याद रखेगा कितना डेटा है। अब मिनिस्ट्री बजट में बात की गई है कुल 32 जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, बागवानी की फसलें हैं, उनकी 109 109 हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे अलोंग विद दी कैपेसिटी बिल्डिंग इन क्लाइमेट रेजिलिएंट। मतलब जलवायु से किस प्रकार निपट सके, जलवायु के नकारात्मक जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक इंपैक्ट इन पर ना हो, ऐसी फसलें ऐसे बीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हम डेवलप करेंगे। साथ ही साथ है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसान है, इन द नेक्स्ट 2 ईयर 1 करोड़ जो किसान है उनको किसमें इंडल्स किया जाएगा, दे विल बी रूटेड इनटू द नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक कृषि है उसकी तरफ उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर क्या करेंगे, मतलब जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ है, कोऑपरेटिव्स है और स्टार्टअप्स है। और वेजिटेबल सप्लाई, जो हमारी सब्जियां होती हैं उनकी सप्लाई के लिए जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए अपन क्या किया जाएगा, जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जिसमें कि कुछ किसान मिलकर एक संस्था बनाते हैं, वो कोऑपरेटिव यानी सहकारी समितियां, इनको माफ कीजिएगा बूस्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा फॉर द इफेक्टिव वैल्यू चेन। नेक्स्ट बात की गई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वी हैव ए कॉन्क्रीट डेटा, रोबस्ट डेटा अबाउट लैंड, कि हमारे भारत में किस एरिया में किस प्रकार की खेती हो रही है, कितने एरिया पर हो रही है और वो क्रॉप फील्ड कैसा है, उसके बारे में क्या होगा हमारे पास डेट पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या होगा, मैप, जो लैंड है उनकी मैपिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा, मैपिंग ऑफ लैंड, मैपिंग मैपिंग ऑफ लैंड, इनको जीआईएस के थ्रू मैपिंग करना ये रहेगा। जैसे इसमें बात की गई है 400 जिलों के अंदर क्या किया जाएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे, जो हमारी फसलें हैं उनका कितना उत्पादन है, किस स्टेज पर है, उनका क्या किया जाएगा, डिजिटल सर्वे। अगले 3 सालों में जो हमारे पास किसानों की जमीन है, लैंड्स हैं, उनका क्या करना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से उनकी लैंड की मैपिंग करना। साथ ही साथ जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आपने आप जानते होंगे केसीसी कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर फार्मर्स इकोनॉमिक बेनिफिट। केसीसी के माध्यम से क्या होता है, किसान जो है एक लोन ले सकता है 3 से 3 लाख रुपए तक का, जिसे बढ़ाकर अब जो है सरकार का प्लान है अंडर दी
मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर 5 लाख करने गए, तो किसानों क्या मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ लोन। तो केसीसी कार्ड बेस्ड क्या होगा, एक जन समर्थ कार्ड बनाया जाएगा, जन समर्थ कार्ड ये सरकार लॉन्च करने वाली है। हम चाहते हैं कि सरसों के ग्राउंड ग्राउंडनट यानी मूंगफली, ताजा सीसम और सोयाबीन और सनफ्लावर, इन क्षेत्र में क्या बने हम आत्मनिर्भर बने, मतलब सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, इतना प्रोडक्शन हमारे पास हो। जो हमारे तिलहन की फसलें हैं और ये सीड्स कौन कौन सी हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीजम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, इस फसलों के संबंध में। साथ ही साथ जो झींगा होता है, श्रिम्प, उसके लिए भी सरकार जो है अपना प्रयास कर रही है, दैट गवर्नमेंट विल फाइनेंस दी फार्मिंग ऑफ श्रिम्प, श्रिम्प की फार्मिंग करना, उसे प्रोसेस करना, इवन एक्सपोर्ट करना। इसके लिए हुआ कि नाबार्ड जो है हेल्प करेगा फार्मर्स को। सेकेंड प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा 5 PM पैकेज लॉन्च किए गए हैं, तो तीन जो पैकेज हैं वो हम करेंगे डिस्कस अभी। ये रहे हमारा, जिसमें कि कुल तीन स्कीम है, स्कीम ए, स्कीम बी एंड स्कीम सी। तो स्कीम ए है कि फर्स्ट टाइमर्स, ऐसे लोग जो कि EPFO के अंदर पहली बार रजिस्टर हो रहे हैं, उनको पहले मंथ की सैलरी जो है अप टू 15,000 रुपीज 3 मंथ में, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर दी जाएगी। ईपीएफओ क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफिस। अब इसमें क्या होता है कि जो भी फॉर्मल सेक्टर में लोग जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे क्या होता है उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होती है। ऐसे लोग, ऐसे युवा, ऐसे व्यक्ति जो कि पहली बार ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर हुए हैं, उनको गवर्नमेंट 15,000, मैक्सिमम 15,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करेगी। सेकेंड है जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या होगा, जो पहले 4 साल एम्प्लॉयमेंट के हैं, फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, अगले 4 साल तक सरकार जो ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी इन दी एम्प्लॉयर्स अकाउंट, एम्प्लॉयज अकाउंट। थर्ड है एम्प्लॉयर को सपोर्ट करना, जो नौकरी प्रदाता है, जो नौकरी देने वाले हैं, क्या करना उनके लिए, 2 साल तक जो ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या करना उसको, उसको रीइंबर्स करना अप टू मैक्सिमम 3,000 रुपये। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि नो उसके ईपीएफओ में एम्प्लॉयर के द्वारा 5,000 रुपये पर मंथ ट्रांसफर किए जाते हैं इन दी ईपीएफओ अकाउंट, पीएफ अकाउंट। तो क्या होगा, सरकार 2 साल तक मैक्सिमम कितना करेगी, 3,000 रुपीज। मतलब समझ गए आप सारी बात, कि सरकार जो करेगी 3,000, और जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी के द्वारा कितना हो रहा है, 5,000 रुपये पीएफ में जमा हो रहा है, उसमें से 3,000 सरकार करेगी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि ये क्या होगा, इससे कि नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। सेकंड, ये हमने 3 स्कीम पढ़ ली। फोर्थ स्कीम हमारी है, जिसमें क्या होगा, स्किलिंग की बात की गई है। अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को, इन द नेक्स्ट 5 ईयर 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर्स। इसमें क्या होगा, 1,000 जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ITIs हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा इन दी हब एंड स्पोक मॉडल। ITIs जो है, 1,000 ITIs को क्या होगा, हब एंड स्पोक मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, जिससे कि आउटकम जो है वो बेहतर हो सके, उसका परिणाम अच्छा आ सके। नेक्स्ट क्या है, जो कोर्स होगा, हम जानते हैं हमारे दिक्कत, हमारे साथ दिक्कत क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी का इश्यू, मतलब नौकरी लेने का इश्यू है। इसकी वजह क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, इनके बीच जो सिनर्जी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट, वो नहीं है। तो क्या होगा, इंडस्ट्री की जो डिमांड है, उस अकॉर्डिंग सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा। ये बात यहाँ कही है फोर्थ कंपोनेंट में। नेक्स्ट है, एक स्कीम लॉन्च की जाएगी, मॉडल स्किल लॉन्च स्कीम, जिसमें क्या होगा, सरकार जो है 7,50,000 का, 7.5 लाख रुपए का लोन देगी, जिसमें सरकार गारंटी देगी, राइट। साथ ही साथ क्या है, 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसमें क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट जो कि भारतीय संस्थानों में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, उन्हें क्या होगा, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही साथ प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को, 1 लाख यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को डिजिटल ई वाउचर मिलेगा, जिसका बेनिफिट ये होगा, उनमें जो लोन लेने वाले हैं उसमें 3% की कटौती, यानी इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% विल बी प्रोवाइडेड टू दी 1 लाख यंगस्टर्स, 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर व्हेन दे विल अवेल लोन ऑफ ₹10 लाख फॉर दियर हायर एजुकेशन स्टडीज। ठीक है, यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 2 पिलर हमने कर लिए। थर्ड पिलर हमारा इंक्लूसिविटी, मीन्स इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो मानविक, जो सामाजिक न्याय है उसे वो किस प्रकार देंगे, साथ ही साथ जो हमारा मानव संसाधन है उसका विकास किस प्रकार करें, इसकी बात की गई है। मानव संसाधन मतलब क्या होता है, मीन्स जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो पढ़कर निकल रहे हैं, हमारी डेमोग्राफी है। इसमें क्या किया गया है कि जो हमारी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, विमेंस और गर्ल्स हैं, उनके लिए 3 लाख करोड़ का सरकार ने स्कीम
का एक प्लान किया कि हम 3 लाख करोड़ रुपए जो है अलॉटेड करेंगे फॉर द स्कीम्स विच आर बेनिफिटिंग विमेन्स एंड गर्ल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसमें एक टर्म की गई बात पूर्वोदय की। पूर्वोदय आप जानते हैं कि भारत का ईस्टर्न पार्ट है, उदय मतलब कि उसका वृद्धि होना, ग्रोथ करना। इसका थीम है विकास भी विरासत भी। जो भारत के पूर्वी राज्य हैं जिसमें कौन कौन से राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और एक है आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। इनमें जो इकोनॉमिक एम्प्लॉयबिलिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, इनको बूस्ट करने का सरकार प्रयास करेगी इन द स्कीम ऑफ पूर्वोदय, जिसमें क्या होगा इन सभी राज्यों का ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी हर भूमि विकास किया जाएगा। नेक्स्ट एक सरकार ने स्कीम लॉन्च करने की बात की है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हमारे ऐसे एरियाज जहां पर जो है अनुसूचित जाति की आबादी सर्वाधिक है, उन एरियाज को क्या किया जाएगा, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सरकार प्रयास करेगी। इसमें क्या कहा गया है दैट गवर्नमेंट विल इंप्रूव द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द 63,000 विलेजेस व्हिच आर इनहैबिटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, और जो हमारे एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट है मतलब आकांक्षी जिले हैं, उनमें क्या होगा अगले साल, अगले कुछ वर्षों में 5 करोड़ जो आदिवासी लोग हैं, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और ये आदिवासी लोग कौन होंगे, जो हमारे ऐसे क्षेत्र जहां पर जो आदिवासी समुदाय बहुसंख्यक में है, साथ ही साथ जो आकांक्षी जिले हैं इनके लोगों को। टोटल कितने विलेजेस होंगे, 63,000 विलेजेस, ये आप फिगर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी 100 ब्रांचेस खोली जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। कितनी, मोर देन 100 ब्रांच, 100 से अधिक ब्रांचेस खोली जाएगी। आप 100 फिगर याद रखेगा, 100 तो खोलनी, बट इससे ज्यादा भी सरकार ओपन कर सकती है। अब क्या होगा, सरकार ने काम किया है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसके लिए अलग से 15,000 करोड़ का एक कॉर्पस, एक फंड जो है अलोकेट किया है टू दी डेवलपमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश स्टेट। ऐसे कुछ पैकेज है बिहार के लिए भी सरकार ने रिलीज किया है। जो प्राइम मिनिस्टर की पैकेज है 5 स्कीम का, उसमें क्या है, इसके तहत क्या होगा, अगले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 4 करोड़ युवाओं क्या किया जाएगा, 4 करोड़ यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और जो अन्य अपॉर्चुनिटीज, अदर अपॉर्चुनिटीज, अन्य अवसर है वो प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने बजट में पेश किया है दैट प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ 5 स्कीम। पीएम पैकेज के तहत 5 योजनाएं हैं, 4 हमने पढ़ ली है, 3 तो किससे, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, उसमें की ईपीएफओ की बात की गई, 4th थी हमारी, 4th स्कीम थी अबाउट स्किलिंग के ऊपर, जिसमें कि अगले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा, स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, 5th स्कीम की, मतलब कुल 5 स्कीम है। इसमें क्या होगा, अगले 5 सालों में 4.1 करोड़ यूथ हैं उनको क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, स्किलिंग दी जाएगी, साथ ही साथ अन्य अवसर हैं वो प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए कितना अलोकेशन है, ₹1.48 लाख करोड़ ये अलॉटमेंट बजट के अंदर किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो प्रायोरिटी है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, मतलब विनिर्माण और सेवाएं। हम जानते हैं कि इसमें हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं, तो सरकार ने प्रायोरिटी 4 रखी है मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं का लेकर के। इसमें ऐसा कहा गया है कि मुद्रा लोन्स, आप जानते हैं मुद्रा लोन्स का पूरा नाम क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। इसमें क्या होता है कि 3 कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर, तरुण। इसमें क्या होता है, 3 कैटेगरीज में अप टू 10 लाख रुपीज का लोन मिलता है। तो सरकार ने कहा दैट वी विल एनहांस, वी विल इंक्रीज, वी आर इंक्रीजिंग द लोन लिमिट इन द तरुण कैटेगरी फ्रॉम 10 to 20 लाख रुपीज। ऐसा कोई युवा, ऐसा इस तरुण कैटेगरी में आने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने लोन लिया हो और उसने टाइम पे अपना लोन जो है रीपेमेंट किया हो, वो 20 लाख तक का लोन लेने के लिए भी एलिजिबल होगा अंडर दी मुद्रा स्कीम। तो 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर एंड तरुण। क्लियर। नेक्स्ट है क्या होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसके अंदर क्या होगा, 50 जो है मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन सेंटर हैं, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई किसी न किसी रूप तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करेगी।
नेक्स्ट है जो फिफ्थ हमने पढ़ा था कि पीएम के पैकेज हैं पांच स्कीम के, चार हम पढ़ चुके हैं, पांचवी स्कीम क्या है, ये कहती है इंटर्नशिप, यानी युवाओं को क्या किया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी इन दी टॉप 500 कंपनीज। अगले पांच सालों में जो है भारत के 1 करोड़ यूथ को, 1 करोड़ युवाओं को क्या होगा, भारत की टॉप 500 कंपनीज में क्या दिया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी अंडर दी प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज। इसके लिए क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, 5,000 रुपए पर मंथ का मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, भत्ता मिलेगा, साथ ही साथ एक बार जो है उन्हें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा ₹6,000 करोड़ का, 6,000 रुपए का अंडर दी CSR फंड्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत। ऐसे युवा जो कि इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा, 5,000 पर मंथ का तो अलाउंस मिलेगा, भत्ता मिलेगा, साथ ही साथ वन टाइम यानी सिंगल टाइम के लिए क्या मिलेगा, 6,000 रुपए का वित्तीय सहायता दी जाएगी अंडर दी CSR फंड। CSR स्टैंड्स फॉर दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी, जिसमें कंपनी को कुछ क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं तो उन्हें समाज के कल्याण के लिए कुछ सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करना होता है, अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। नेक्स्ट प्रायोरिटी फिफ्थ इज अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास। अब हम जानते हैं एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसका सेकेंड फेज है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। इसके तहत सरकार ने रखा टारगेट दैट वी विल कंस्ट्रक्ट मोर देन ऑलमोस्ट 1 करोड़ अर्बन हाउसेस फॉर दी पुअर एज वेल एज दी मिडिल क्लास फैमिलीज, क्लियर। इसमें ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी सरकार को, और इसमें सरकार ऑलमोस्ट 2.2 लाख करोड़ का जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है इस स्कीम के तहत अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अगले कुछ वर्षों में 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत कितने बनाए जाएंगे, 2 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने बनाए जाएंगे, 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे भारत में। नेक्स्ट है कि जो भारत की 100 सबसे बड़ी सिटी है, 100 लार्ज सिटीज हैं, उनके अंदर क्या किया जाएगा, तो पेयजल, सीवर ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनके उत्थान के लिए क्या किया जाएगा, अलग अलग चलाए जाएंगे प्रोजेक्ट्स अंडर इन दी 100 लार्ज सिटीज। नेक्स्ट है कि शहरों के अंदर 100 वीकली हार्ट्स, 100 साप्ताहिक हार्ट बाजार डेवलप किए जाएंगे, स्ट्रीट मार्केट कहते हैं, इन दी सेलेक्टेड सिटीज। साथ ही साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए क्या होगा, रेजिडेंशियल जो है प्रोजेक्ट वो चलाए जाएंगे, मतलब रेंटल हाउसेस, यहाँ पर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, वो रेंट पर रह सकें, इनके लिए रेंटल हाउसेस चलाए जाएंगे अंडर दी PPP मोड, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। नेक्स्ट है प्रायोरिटी 6 विच इज एनर्जी सिक्योरिटी। हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से जूझ रहे हैं, और ग्लोबल जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो सरकार का टारगेट है दैट वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड क्लीनर एंड ग्रीन एनर्जी। तो क्या है, सरकार चाहती है दैट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वी विल डेवलप भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा है हमारी, वो डेवलप की जाएगी थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के द्वारा। एक स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत क्या है, ऐसी फैमिलीज जो है रूफ टॉप सोलर प्लांट स्टेब्लिश करती है 2 से 5 किलोवाट का, तो क्या होगा, उनको मंथली 300 यूनिट जो है फ्री प्रोवाइड की जाएगी, 300 यूनिट फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए क्या है इसके अंदर, द स्कीम एम्स टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर प्लांट्स टू इनेबल 1 करोड़ फैमिलीज दैट दे कैन अपटेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ, हर महीने उनको 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। और इसके लिए 1,28,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, या फिगर याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत क्या होगा, 1 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं, 1 करोड़ जो लोग हैं, 1 करोड़ परिवार हैं, उनको 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त दी जाएगी अंडर दिस। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी 7, इट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना के बारे में। जब आधारभूत संरचना की बात होती है तो लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें आती है हमारी सड़क यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो जो है हमारे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि जो अगर हमारे रोड्स और रोड का नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क अगर बेहतर होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो अच्छे से ग्रो करेगा।
विद मिनिमम कॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका जो है फोर्थ फेज लॉन्च किया जाएगा, जो क्या करेगा 25,000 जो ग्रामीण आबादियां हैं, 25,000 ग्रामीण आबादी इन्हें करेगा कनेक्ट आपस में। क्या करेगा 25,000 ग्रामीण आबादियों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दी फोर्थ फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कब लॉन्च की गई थी, ये की गई थी सन 2000 में, आप याद रखिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है। अब क्या साथ ही साथ जो हम स्टेट जानते हैं, स्टेट्स में क्या होगा, स्टेट्स को अनुदान दिया गया है 1.5 लाख करोड़ का फॉर दी रिसोर्स अलोकेशन, जो संसाधन है उनको किस प्रकार से आवंटन हो उसके लिए क्या सरकार ने इस बजट के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन किया है फंड का। साथ ही साथ जो असम, ध्यान रखिएगा ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अधिक बाढ़ आती है, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, यहाँ पर क्या है बाढ़ अधिक आती है, तो क्या होगा इन स्टेट्स में फ्लड मैनेजमेंट और लैंडस्लाइड, जो बाढ़ नियंत्रण और भूस्खलन है ऐसी संभावनाएं अधिक होती हैं, इनको दूर करने के लिए क्या होगा कि फंड अलोकेट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है टूरिज्म, इसी क्षेत्र में टूरिज्म की बात कर रहे हैं 7th प्रायोरिटी के अंदर, जो क्या है देखिए बिहार के अंदर दो प्लेसेस हैं, विष्णुपद टेंपल और महाबोधि टेंपल, इनको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर क्या डेवलप किया जाएगा, विष्णुपद टेंपल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेंपल कॉरिडोर इन दी बिहार स्टेट ऑफ बिहार। साथ ही साथ क्या होगा नालंदा विश्वविद्यालय, इसको थोड़ा रीबिल्ड किया जाएगा, इसका पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही साथ इट विल बी डेवलप्ड एज दी टूरिस्ट सेंटर। ध्यान रखिएगा महाबोधि टेंपल और विष्णुपद टेंपल कहाँ है, ये बिहार के अंदर है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, इसको भी एज ए टूरिस्ट सेंटर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ जो राजगीर है यहाँ क्या होगा, इसके लिए भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी विकास के लिए एक नई पहल चलाई जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ राजगीर। नेक्स्ट प्रायोरिटी इज प्रायोरिटी 8, इट्स अबाउट इट इज अबाउट इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये नवाचार शोध एवं विकास के संबंध में। तो क्या होगा सरकार एक फंड बना रही है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा जो हमारी साधारण रिसर्च एंड डेवलपमेंट है R&D है उसको प्रमोट करना अंडर दी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड ANRF, ये आप फंड का नाम याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट है जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो चाहे कि रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको 1 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया है। नेक्स्ट है जो हमारे वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स जिसे 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी स्पेस इकोनॉमी है, स्पेस इकोनॉमी को अगले 10 सालों में कितना करना है 5 टाइम्स करना है। 1,000 करोड़ का एक वेंचर फंड बनाया गया है, वेंचर कैपिटल फंड जिसका ऑब्जेक्टिव है अगले 10 वर्षों में हमारी स्पेस इकोनॉमी कितना बढ़ाना उसको, टू इंक्रीज इट बाई 5 टाइम्स, 5 गुना बढ़ाना किसको स्पेस इकोनॉमी को। राइट लास्ट हमारी प्रायोरिटी है वो है प्रायोरिटी 9, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या किया सरकार ने, हमने पढ़ा था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स जो हमारा लैंड है क्या करना उसकी GIS मैपिंग करना। क्लियर। इसमें क्या होगा जो अर्बन एरिया है शहरी क्षेत्र है उनका उनमें जो लैंड रिकॉर्ड है उन्हें किया जाएगा डिजिटाइज, उनका किया जाएगा डिजिटलीकरण थ्रू GIS मैपिंग, हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ एक बनाई जाएगी लैंड रजिस्ट्री जिससे पता रहे सरकार को कितना लैंड खाली है, कितना ऑक्यूपेंसी है, किस विभाग के तहत जमीन आ रही है, तो क्या होगा डेवलपमेंट प्लान जो हमारे हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा क्लाइमेट अडेप्टेशन है, जलवायु परिवर्तन को डील करने के लिए जो क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन है इसको अचीव करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा ताकि हम इस दिशा में काम करने के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ एक नई स्कीम लॉन्च की गई है NPS वात्सल्य, नेक्स्ट न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य, जिसमें क्या होगा किसी माइनर यानी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके लिए क्या होगा उनके पेरेंट्स या गार्जियन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर दी NPS वात्सल्य। क्लियर। अच्छा कुछ टैक्स रिफॉर्म किए गए हैं, अब देख लेते हैं इनके बारे में कौन कौन सी बात, मतलब किस तरह का जो है छूट दी गई जिससे कि किस सेक्टर को एडवांटेज मिलेगा। अफोर्डेबल मेडिसिन की बात करें हम, मेडिसिन क्षेत्र में क्या कैंसर की कुल 3 दवाई हैं जिन पर जो है जो कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है, खत्म कर दी गई है।
तीन कैंसर मेडिसिन है उन पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जो हमारे बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 15% कर दिया गया है, 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी ऑन मोबाइल फोन्स, मोबाइल पीसीबी एंड चार्जर। पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, इन पर कितना लगेगा, 15% लगेगा, जिससे क्या होगा मोबाइल इंडस्ट्री है तो बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, इसमें क्या होगा जो हमारे गोल्ड और सिल्वर है उन पर कितनी कर दी कस्टम ड्यूटी, 6%, ऑपरेटिंग नंबर कर दिए 6.4%, जिससे हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारी श्रिम्प, हमने हमने देखा था झींगे का उत्पादन बढ़ाना, उसकी प्रोसेसिंग करना और उसे एक्सपोर्ट करना, इसके लिए सरकार काम कर रही, तो इस पर भी क्या किया बेसिक कस्टम ड्यूटी सरकार ने कम कर दी है ऑलमोस्ट 5%। क्या हुआ कि मरीन एक्सपोर्ट है, मरीन इकोलॉजी है, मरीन इकोनॉमी, उसको बूस्ट करने का इससे हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो सोलर सेल्स और पैनल्स हैं इनके लिए क्या किया गया है, इन्हें बनाने के लिए जो कैपिटल गुड्स आता है उनको भी छूट दी गई विशेष प्रकार की। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। देखिए अब बात करें हम, दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है कैपिटल गेन टैक्स, यहाँ बात की गई है कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, देखिए कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल असेट्स है आपका, मतलब कोई लैंड है, प्रॉपर्टी है, हाउस है, या कोई आपके पास मान लीजिए व्हीकल है, ऑटोमोबाइल है, वो असेट हो सकता है। साथ ही फाइनेंशियल असेट्स क्या होंगे आपके, होंगे शेयर्स, इक्विटीज, राइट, शेयर इक्विटीज। तो क्या होगा जब कोई व्यक्ति इनको बेचता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 रुपए में खरीदे शेयर, इसकी वैल्यू होगी नेक्स्ट एक साल बाद 1000 रुपए, तो जो 900 रुपए इस पर कितना लगा है, 900 रुपए का एडवांटेज हुआ, ये मतलब कैपिटल गेन कहलाएगा। इस पर लगने वाला टैक्स जो है वो कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स। ये दो तरह का होता है, अगर किसी प्रॉपर्टी, किसी असेट को कोई व्यक्ति एक साल तक रखता है वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जब वो प्रॉपर्टी एक साल से अधिक बढ़ जाती है, अधिक सीमा तक रखी जाती है, तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ बात की गई है दैट शॉर्ट टर्म गेन्स ऑन फाइनेंशियल असेट्स टू अट्रैक्ट 20% टैक्स। जो शॉर्ट टर्म गेन है फाइनेंशियल वित्तीय जो हमारे संसाधन है, फाइनेंशियल वित्तीय संपत्ति की, इसमें क्या होगा शेयर्स इक्विटी है, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किए जा रहे हैं फॉर लेस देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तो उन पर 20% टैक्स रेट लगेगा। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें क्या होगा फाइनेंशियल एज वेल एज दी नॉन फाइनेंशियल असेट्स, वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति, जिसमें क्या आती है हाउसेज आ सकते हैं, लैंड हो सकता है, कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें कितना है 12.5%। क्लियर। अच्छा एक बात की गई है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल असेट्स। देखिए किसी व्यक्ति के पास कोई फाइनेंशियल असेट्स है, इक्विटी है, शेयर है, डिबेंचर है, कोई ट्रेजरी बिल, जो ट्रेजरी बिल है वो उसने होल्ड किया है, उस पर मान लीजिए अगर उसको बेनिफिट हो रहा है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कितना बेनिफिट हुआ 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीज का, तो क्या होगा उसको ना 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1,25,000 रुपए तक की उसको क्या दी गई है एग्जम्पशन, यानी छूट दी गई, इतने भी उसका टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। साथ ही सरकार ने बोला है दैट वी आर गोइंग टू अबोलिश ऑल द एंजल टैक्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंजल टैक्स क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, वो इनिशियली अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या करेंगे वो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह से क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आता है उस पर लगने वाला टैक्स कहलाता है एंजल टैक्स। क्या कहलाता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स इज टैक्स, एंजल टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स विच इज लिवाइड ऑन द इन्वेस्टमेंट, विच इज लिवाइड ऑन द इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड बाई a company to run their business। साथ ही साथ जो domestic cruise services हैं उनको भी क्या है उनके लिए टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है, और एक corporate टैक्स है जो निगम कर है विदेशी कंपनियों पर लगता है उसे कर दिया गया है 40% से गिराकर कितना कर दिया है 35%। ये स्लाइड आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब नया जो टैक्स रेजीम है, जो नई कर संरचना है, इसके तहत कितना कर लगने वाला है, कितना टैक्स लगने वाला है। तो देखिए पहले भी यही था, 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, अब भी कोई टैक्स नहीं है। लास्ट टाइम था 3 लाख से 6 लाख की रेंज में कितना था 5%, इसे बढ़ा कर दिया गया 7 लाख रुपए, मतलब 3 लाख से 7 लाख किसी व्यक्ति की इनकम है उसे लगेगा उसे देना होगा 5% टैक्स। 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की इनकम है देना होगा 10%, 10 लाख से 12 लाख की इनकम है उन्हें देना होगा 15%, 12 से 15 लाख की इनकम है तो कितना देना होगा 20%, 15 लाख से अधिक है तो 30%। अब देखिए यहाँ पे कैच वर्ड क्या है, कैच ये है कि
मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है 3,50,000, तो उसे कितना देना पड़ेगा? 5%। अगर उस व्यक्ति की इनकम होती है 8 लाख रुपए, तो देखिए इसमें 3 लाख से 7 लाख की इनकम है, मतलब 7 लाख की इनकम पर कितना देना पड़ेगा उसको? ही हैज टू पे 5%। लेकिन जो रिमेनिंग 1 लाख रुपए है, कितना बचा? 8 लाख में 7 लाख निकाल ली तो 1 लाख बचा, 1 लाख पर कितना लगेगा? 10% टैक्स। क्लियर यहाँ तक? ऐसे क्या होगा, किसी व्यक्ति की मान लीजिए सैलरी है 15 लाख रुपए, तो जो शुरू के 7 लाख रुपए हैं, 3 लाख से 7 लाख, उस पर इतना 5% होगा। अगले 7 से 10 लाख रुपए उस पर कितना? 10%। 10 से 12 वाली जो ब्रैकेट है 2 लाख रुपए, उस पर कितना? 15%। 12 से 15 कैटेगरी है, उसमें कितना? 20%। ये टैक्स व्यक्ति पर। एडवांटेज क्या होगा, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उन्हें टैक्स बचाने में कितनी हेल्प मिलेगी? 75,000 की बचत हो सकती है। साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन होल्डर्स हैं उन्हें कितनी मिलेगी? उन्हें मिलेगी 25,000 रुपीज की बचत नए टैक्स रेजिम से सरकार देने वाली है। ओवरऑल जो बजट है, ओवरऑल सेविंग वो कितनी होगी? 17,500 रुपए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। लास्ट स्लाइड है हमारी कि जो सरकार ने कहा है कि जो हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनका ग्रोस एनपीए यानी ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो कितना कम हो गया है? इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2.8%। 2.8% 2.8% रह गए, जो कि 2017-18 में कितना था? इट वॉज 11.2%। एनपीए क्या होता है बेसिकली समझिए आप, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। कुछ लोग आप में से जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, देखिए होता क्या, बैंक जो है ना, बैंक क्या करता है? लोन देता है किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को, किसी संस्था को लोन मिला है। अब वो व्यक्ति मान लीजिए 90 डेज तक क्या करता है? लोन का रीपेमेंट नहीं करता। इट मींस ये काउंट होगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में, कि ऐसी असेट्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रही, जिससे बैंक को कुछ एडवांटेज नहीं हो रहा है, ये कहलाता है हमारा एनपीए। अगर कोई व्यक्ति या संस्था लोन लेने के बाद 90 दिन तक उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो मूल राशि है ना ही उसका ब्याज अदा करता है, तो कितना होता है? एनपीए कहलाता है। अब एनपीए की 3 कैटेगरीज हैं, याद रखिएगा आप, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एनपीए। कौन कौन सी हैं? जो एनपीए, अगर एनपीए लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से अगर जब कोई लोन क्या बन जाता है? एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और वो जो लोन है वो कितना एनपीए रहता है 12 महीने तक, उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड असेट्स। वहीं अगर एनपीए जो है एक्सीड कर जाए मोर देन 12 मंथ्स, यानी एनपीए रह जाए वो लोन कितना मोर देन 12 मंथ्स, तो उसे कहते हैं डाउटफुल असेट्स। क्या बोलते हैं? डाउटफुल असेट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें खतरा होता है कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को लोन दिया गया है उसे रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। अब इसकी तीसरी कैटेगरी आती है, पहली थी जो कहलाती सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है, सेकंड में डाउटफुल असेट्स में आता है, थर्ड में आता है ये लॉस, इसे बोलते हैं लॉस असेट्स। क्या बोलते हैं? लॉस असेट्स। इसका मतलब ये है जब उस संपत्ति से बैंक को ये एक्सपेक्टेशन ना रहे, उम्मीद ही ना रहे कि यहाँ से लोन की रिकवरी हो सकती है, उसे कहते हैं लॉस असेट। इसके बाद होता है इसका राइट ऑफ करते हैं कि इसको बेच देते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि एनपीए क्या होता है। एनपीए कितना रह गया बैंक का? 2.8% रह गया मार्च 2024 तक, ये इस बजट के अंदर अनाउंसमेंट की गई है। चलिए आज है 29 जुलाई, आज एक बड़ा फेमस दिन है जिसका नाम है इंटरनेशनल टाइगर डे। थोड़ी हम बात कर लेते हैं इस दिन के बारे में भी। इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, राइट? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of July ईच ईयर। थोड़ा हम बात करते हैं बाघ के बारे में, बाघ करता क्या है, बाघ कौन सी प्रजाति है? तो कुल 7 प्रजातियां हैं, 7 big cats। फिर क्या आती है हमारी? प्यूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर, लॉयन। इनमें से एक प्रजाति कौन सी? हमारी टाइगर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस।
वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ग्रिस। ये जो मूल रूप से ना 13 कंट्रीज के अंदर मिलता है, 13 लोकेशंस हैं विश्व के अंदर, 13 कंट्रीज हैं वहीं पर ये प्रजाति पाई जाती है। 13 लोकेशंस में क्या है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस तरह के देश हैं। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, तो 3 कंट्रीज हैं जिसमें कि कंबोडिया, कंबोडिया, लाओस और एक कंट्री और है वहां पर जो है ये प्रजाति हो गई एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 3 देशों में। एक देश का शायद या तो वियतनाम है या मलेशिया है, उनमें से किसी एक कंट्री में ये विलुप्त हो चुके हैं, टाइगर। टाइगर क्लियर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। अब हम बात करते हैं टाइगर के बारे में। तो टाइगर जो है इसकी वन पूंछ होती है टेल, वो होती है टोटल लेंथ का 1/3। जो पूंछ होती है ना वो होती है ऑलमोस्ट की लंबाई का 1/3 हिस्सा होती है, पूंछ पूंछ होती है। लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 12 फिट होती है, ऊंचाई होती है इसकी 2 से 2.5 फिट। ये इसकी ऊंचाई होती है टाइगर की। ये वैसे कुछ बातें हैं टाइगर के बारे में। हम बात करते हैं कि हमने क्यों कर रहे हैं डिस्कस। ये 29 जुलाई को हर साल क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। शुरुआत कब हुई तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत हुई है इन द ईयर 2010 थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्स पर टाइगर समिट, सेंट पीटर्सबर्ग जो है एक रशिया में शहर है, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे क्या हुआ था 2010 में, जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव तो द्वारा ग्लोबल समिट हुई थी, जिसमें कहा गया दैट वी विल सेलिब्रेट ईच ईयर ऑन 29th of July इंटरनेशनल टाइगर डे। ये रशिया के अंदर समिट हुई थी, और तब से लेकर जो है हम हर वर्ष 29 मई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। इस साल की थीम क्या है? इसका थीम है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एज वेल एज टू रिड्यूस रेयर वेज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक हैबिटेट लॉस एज वेल एज दी टू अवॉइड ह्यूमन एंड टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर। ये कुल 13 कंट्रीज के अंदर मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिसमें क्या बात करें भारत की, इंडिया जो है, इंडिया इज अ होम टू 75% पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल टाइगर्स। भारत में विश्व के जितने भी टाइगर, जितने बाघ हैं उसके 75% का मिलते हैं भारत में, याद रखेगा आप। इसलिए सरकार ने क्या किया है, एक चलाया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। कब चलाई है? इन द ईयर 1973। क्लियर। यहां तक आई होप यहां तक क्लियर होगा। थोड़ी हम बात करते हैं कि 1972 में, 1972 में क्या हुआ था? पहला टाइगर सेंसस हुआ था, फर्स्ट टाइगर सेंसस। वही पाया गया था कि भारत में जो है कुल उस समय कितने थे? 9 टाइगर रिजर्व्स थे, 9 टाइगर रिजर्व्स, और अराउंड 1800 करीब टाइगर उस समय थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करें 2022 में, गणना आई है 2022 का जो टाइगर सेंसस है उसके अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? तो दे आर रफली अराउंड 3682, 3682 टाइगर्स हैं। क्लियर। और सर्वाधिक जो है वो किसमें है तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है, फिर है कर्नाटक में, थर्ड पे है उत्तराखंड, फोर्थ पे है महाराष्ट्र, और फिफ्थ पे है तमिलनाडु। ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि टाइगर, यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन सर्वाधिक है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तमिलनाडु। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइगर्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अभी वर्तमान में कितने? 3682 हैं। और ध्यान रखें ग्लोबली जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन का 75% कहां पर है? इंडिया
इट इज लोकेटेड इन इंडिया। हम बात करेंगे ये तो ही किस स्टेट के अंदर है, किस टाइगर रिजर्व के अंदर सर्वाधिक है, टाइगर रिजर्व्स। ठीक कौन से टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक आबादी है बाघों की, तो ध्यान रखिए पहला जो है ये हमारा जिम कॉर्बेट है, सेकंड पे आते हैं हमारे नागर होल, कर्नाटका में आता है, नागर होल के बाद आएगा हमारा साथ ही साथ बांदीपुर। बांदीपुर और नागर होल का जो सीक्वेंस है ये ऊपर नीचे हो सकता है, सेकंड थर्ड प्लेस हो सकता है, बट मतलब कि बांदीपुर और नागर होल जो है ये सेकंड रैंक पे आते हैं ऑलमोस्ट, और जिम कॉर्बेट में ऑलमोस्ट 260 टाइगर, 260 करीब, इसमें एक में 150 है, एक में 160 करीब टाइगर है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है मुदुमलाई जो कहाँ है तमिलनाडु में, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। फिर आता है हमारा कान्हा, प्रकार से अलग अलग टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है, सर्वाधिक संख्या मिलती है टाइगर की। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर है ना इसे शुरुआत की थी 1973 में, बिकॉज वी नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर वॉज वेरी लेस इन द ईयर 1972। कितनी थी ये थी ऑलमोस्ट 1972 में थी, कितनी थी टाइगर, ये थे ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, 1836 या 1826 ऐसे कुछ पॉपुलेशन थे टाइगर की। तो जब प्रोजेक्ट रन किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसके बाद जो है हमारे पास कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए इन इंडिया, तो टाइगर रिजर्व हो गए हमारे 55 रिजर्व। तो जो पहला टाइगर रिजर्व है वो तो हमारा है जिम कॉर्बेट, पहला था जिम कॉर्बेट का, बना था 1973 में, और जो 54th है वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। 55th है वो है हमारा करौली धौलपुर, करौली ये हमारा है राजस्थान में। ध्यान रखिए कुल 55 टाइगर रिजर्व है, उसमें पहला है जिम कॉर्बेट, 54th है हमारा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और तीसरा है 55th है हमारा करौली धौलपुर जो कि राजस्थान के अंदर है। कुल एरिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा 55 टाइगर रिजर्व में से कुल एरिया है वो कितना है, इट इज मोर देन 78,135 किलोमीटर, 78,135 वर्ग किलोमीटर से अधिक एरिया है, जो कि इंडिया का कुल कितना है 2.3% ऑफ टोटल एरिया, कितना है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना है 2.38%, कितना है कुल क्षेत्रफल का ये करते हैं हमारे टाइगर रिजर्व। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जो साइट्स हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, अपेंडिक्स वन में आता है ये टाइगर में आता है, इसकी जो सूची है अपेंडिक्स वन है इसमें कि सर्वाधिक हमें क्या करना होता है उनकी सुरक्षा की बात करनी होती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ सॉरी IUCN, IUCN की जो रेड लिस्ट आती है IUCN, इसमें क्या है, मैं ये एंडेंजर कैटेगरी के अंदर है, एंडेंजर का स्टेटस है एंडेंजर, एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आता है, संकटापन्न प्रजाति के रूप में माना गया किसको, टाइगर को। क्लियर। तो जो मैंने बात की किसकी, टाइगर हमने बात की प्रोजेक्ट टाइगर की और कितनी आबादी है तो हम पता लगा चुके हैं कि लगभग 3,682 जो है हमारे पास क्या है आबादी है किसकी, टाइगर्स की भारत में, और उसमें सर्वाधिक कहाँ पर है, उसमें सर्वाधिक है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर
फिर कहाँ है, फिर कर्नाटक में भी थर्ड पे है हमारा उत्तराखंड, फोर्थ पे है हमारा महाराष्ट्र, फिफ्थ पे है हमारा तमिलनाडु। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, हम पढ़ चुके हैं। और जो साइट्स उसके अंदर अपेंडिक्स वन में आता है, IUCN के अंदर एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, संकट अपन प्रजाति के रूप में माना गया है इसको, टाइगर को। कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पहला तो हमारा जिम कॉर्बेट, 54th दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और 55th है हमारा करौली धौलपुर। कुल जो एरिया है हमारा टाइगर रिजर्व करते हैं ये करते हैं 78,135 वर्ग किलोमीटर से अधिक करते हैं। साथ ही साथ कुल भारत का एरिया है उसका 2.38% करते हैं टाइगर रिजर्व। तो जो मैं टुडे आज ही क्लास है वही समाप्त होती है। आई होप कि जो आपको बजट पढ़ाया गया है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट PCS हो, SSC हो, इवन UPSC प्रीलिम्स है, वहां तक भी ये इफेक्टिवली यूजफुल रहेगा आपके लिए। यूनियन बजट 2024-25, जो हमारा यूनियन बजट है उसके साथ क्या पढ़ाया गया आपको, आपको पढ़ाया गया है आपको जो है शुरुआत से क्या पढ़ाया गया, बेसिक पढ़ाए गए हैं कि GDP है, GNP है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये सब कुछ पढ़ाया गया आपको इन दी बजट के डिस्कशन के अंदर। साथ ही साथ जो बजट में अलग अलग प्रोविजन है वो पढ़ाएंगे बजट बजट के अंदर, की सरकार को पैसा कहाँ से रहना होता है, कहाँ सरकार ज्यादा खर्च करती है, किस प्रकार से करती है, वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ स्टेटिक पार्ट पढ़ा कि बजट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है वो पढ़ा हमने। पढ़ा बजट में क्या होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू के अंदर क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय होता है। वैसे ही सेम होता है कैपिटल बजट के अंदर, जो पूंजीगत बजट है उसमें होता है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ये हमने पढ़ा किसके अंदर, कैपिटल बजट के अंदर हमने पढ़ा। तीन फंड पढ़े, क्या पढ़ा, पहला पहला था भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड पढ़ा हमने आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 266 के अंदर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। थर्ड पढ़ा हमने आर्टिकल 267 के अंदर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति के अधीन आता है और उनकी अनुमति से जो वित्त सचिव होते हैं हमारे वो इसे मैनेज करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो ये कुछ नाम पढ़े हमने। सबसे अधिक मोरारजी देसाई द्वारा प्रेजेंट किया गया है, 7 बार किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। फिर हमने पढ़ा कि 1955 तक क्या होता था, बजट सिर्फ किस में आता था, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस ईयर से ही होने लगा हिंदी लैंग्वेज को भी प्रिंट करने लगे, जब वित्त मंत्री कौन थे, श्रीमान सीडी देशमुख जी। और अब तक कुल 14 बार इंटरव्यू में पेश किया जा चुका है, 15वीं बार इस बार किया गया 2024 में। हमने पढ़ा कि पहले बजट का जो टाइम था प्रेजेंटेशन का वो क्या था, शाम के 5 बजे का, लेकिन इन द ईयर 1999 1999 से क्या हुआ कि हमने टाइम चेंज कर दिया, कितना कर दिया, सुबह 11 बजे। और ध्यान रखिए 2017 से दो बदलाव किए गए हैं। पहला था कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, जो कि 1924 के अंदर अलग हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक वर्थ कमेटी, लेकिन 2016 में कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, विवेक देबरॉय कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट जो है मर्ज किया। साथ ही साथ ये डिसाइड किया गया दैट बजट विल बी प्रेजेंटेड ईच ईयर ऑन द फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी, जिससे क्या हो फरवरी और मार्च 2 महीने ऐसे मिल जाए जिसमें कि बजट जो है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी से निकल सके। क्लियर। हमने पढ़ा कि सबसे अधिक टाइम किसने लिया था, सीतारमन जी का था 2020 में, जसवंत सिंह जी का था, फिर अरुण जेटली जी का है। और वर्ड्स की बात करें, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने सर्वाधिक वर्ड्स यूज किए थे हिंदी बजट, और शॉर्टेस्ट स्पीच था वो था पीएम पटेल जी का था, सॉरी HM पटेल जी हैं, हीरू भाई मोलजी भाई पटेल, हीरू भाई मोलजी भाई पटेल हैं, उन्होंने किया था 1977 के अंदर। तो आज की हमारी क्लास ही समाप्त होती है, और अगली क्लास हम लेंगे करंट अफेयर पर, जो भी कुछ जो भी हमारे पिछले 2 से 3 दिन में मिस हुआ करंट अफेयर, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड एंड हार्डवर्क करते रहिए अपने एंड पर। ऑल द बेस्ट।